अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा ये यूएस की टैक्सेशन का पहला लेक्चर है, तो आप लोगों के साथ दो तीन चीज़ें डिस्कस करूंगा स्टार्ट में, ताकि ऑनवर्ड्स फिर जो हमारे कोर्स है उसमें हमें प्रॉब्लम ना आए। देखिए, आप में से जो लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्शन का बटन शो हो रहा होता है, आपने हैंड रेज करना है। तो मैं आपको जिस टाइम मौका दूंगा आपने उस टाइम सवाल करना है, ठीक है? मैं आपका नाम लूंगा, क्योंकि लोग काफी लोगों ने हैंड रेस की होते हैं, तो फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो अपना क्वेश्चन करेगा और फिर मैं उसको उसका रिप्लाई दूंगा। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करूंगा तो आपने अगर कोई यस का आंसर देना होगा तो आप थम्स अप की शक्ल में मुझे देंगे, ठीक है? तो बीच में जो है ना, लेक्चर के दरमियान में कोशिश कीजिएगा सवाल ना कीजिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि रिदम टूट जाता है, जो थॉट प्रोसेस होता है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली होती है ना वो मिस हो जाती है। तो आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जितने भी क्वेरीज होंगी, इंशाल्लाह आपको मैं सबका रिस्पॉन्ड दूंगा, आपको सबको तसल्ली करा के फिर ही हम क्लास एंड किया करेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। हाँ, अपने पास एक पेपर पेन लाजमी रखें, ठीक है? जो मैं आपको बताता जाऊंगा वो आप नोट भी करते जाएं, आपको क्लास के एंड पे आपको स्लाइड्स मिल जाया करेंगी, ठीक है? आप लोगों का एक सवाल होगा कि स्लाइड्स मिलेंगी नहीं, आपको क्लास के एंड में स्लाइड्स भी मिल जाया करेंगी, और आपको जो भी हम डिस्कस किया करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम देखा करेंगे, उसका वो आपको मैं कॉपी दिया करूंगा। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि देखिए, हर चीज स्लाइड पे नहीं होती। मैं स्लाइड पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं, उन पॉइंट्स को मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो आप लोगों ने साथ अपने नोट्स जरूर लिखने रखने, ताकि उस पे आप अपने राइटिंग में, अपने शॉर्ट्स शॉर्टकट्स में, या जैसे भी इजी हो आपको, आप वो नोट करते जाएं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप हैंड रेस करें, वहां पे क्वेश्चन मार्क नोट कर लें, कोई दो तीन कलर के पेन अपने पास रखें, ताकि आपके लेक्चर के एंड में आप उसको जब रिस्पॉन्ड करना चाहें, उसको पूछना चाहें, तो आपको याद हो कि यार ये चीज आपने बताई थी, तो इसको जरा काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या ये जो पॉइंट आपने बताया था इसमें ये कंफ्यूजन है, तो वो फिर मैं आपको गाइड कर दिया करूंगा। इससे ये होगा कि क्लास का टेम्पो भी नहीं टूटेगा, और आप लोग सवाल लाजमी करें, जरूर करें, ठीक है? क्योंकि आप जो लोग जितने सवाल करेंगे उससे एक तो ये होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट का कंफर्म होता है, और दूसरा ये कि अक्सर लोग जो नहीं उस चीज को ग्रैस कर पा रहे होते, कुछ लोग ज्यादा उसको मतलब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो उनके सवाल से दूसरों के लिए भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी सैयद जिशान अली साहब, जी सर, सैयद जिशान अली साहब, आपका अस्सलाम हैंड रेज है। वालेकुम सलाम। वालेकुम। नहीं सर, वो गलती से मैं इसे चेक कर रहा था, इसमें हो गया। तो जी नहीं जी ठीक, कोई मसला नहीं, कोई लोगों के लिए मैं सर, एक्सपेरिमेंट हो गया ना, एक कंफर्म हो गया ना, कैसे हैंड रेस करना है और कैसे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, जी तो आपने ठीक है, थैंक यू। जी अच्छा, आप लोगों में से किसी का स्टार्टिंग से अच्छा, पहले जो थम्स करना है वो चैट में करना है। नहीं था, रिएक्शन में ही थम्स अप होता है, थम्स अप का निशान रिएक्शन के अंदर ही आ रहा होता है, जहां से आपने हैंड रेस किया था वहीं पे थम्स अप का भी निशान आ रहा होता है। वो ये होता है ना कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी आप लोगों को सवाल समझ आ गया, तो आप थम्स अप करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आप ओके हो गए। जी आबिद बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलाम। सर ये मैंने भी अभी हैंड रेज करके चेक किया, लेकिन इसमें वो थम्स का नहीं आ रहा, तो वो चेक कर रहा अच्छा, था मैं। बाकी ये कि बाकी ओके है। वो उसके और आगे, उसके जी आगे ना मोर में का एक निशान होगा, तीन डॉट बने होंगे, वहां पे मोर चले, का निशान होगा, तो वहां पे आपको मैं मिल उसको जाएगा। चेक कर लेता हूँ। बहुत ठीक है, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। तो आपका क्लास से पहले किसी का कोई सवाल हो ताकि फिर हम क्लास स्टार्ट करें। जी मैं सर, देख रहा था, सुन रहा था कोई। हाँ, मेरा हैंड रेस करके भाई, क्वेश्चन हैंड रेस, हैंड रेस करके शाफे तारिक साहब, वो मुझे भी पता लगे ना कौन सवाल कर रहा है, क्योंकि मेरे सामने नहीं पता लग रहा होता। जी शाफे तारिक साहब, सर, तो जो अभी हम क्लास की अटेंड कर रहे हैं, इसकी कोर्स आउटलाइन आपकी क्या है? आज की आपकी क्लास आपकी का आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट करेंगे अब आ रही आवाज। जी? अब क्लियर है। मैं कह रहा हूँ, जो हम ये कोर्स की जो आउटलाइन है, वो आप लोगों की कोर्स की आउटलाइन क्या होगी? आज की जो क्लास है तो उसकी क्या आउटलाइन होगी, और इसमें आप आप क्या बता रहे? देखें, अभी तो आउटलाइन तो क्लास से पहले मांगी जाती है, तो फिर बात भी थी,
ठीक है। और बेसिकली अब तो मैं आपको पूरा वो आज की जो क्लास का लेक्चर है वो उसकी पूरी स्लाइड्स हैं वो आपको शेयर हो जाएंगी, ठीक है। वो हम यहाँ साथ साथ पढ़ेंगे भी और वो आपको आगे शेयर भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, आप मैंने उसकी क्योंकि परेशानी आउटलाइन ना, पहले भी मांगी थी बट वो मुझे मिली नहीं थी। देखिए आउटलाइन में अब देखिए यूएस की टैक्सेशन है, यूएस की टैक्सेशन में आपकी इंडिविजुअल की टैक्सेशन है, बिजनेस की टैक्सेशन है, उसके बाद आपकी एलएलसी फॉर्मेशन का एक कुछ बीच में एक एडिशन है, आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो यही आउटलाइन है इनकी। बाकी तो अब आपके अगर वो जो आप कह रहे हैं ना वो कंटेंट सारे बता दीजिए तो वो फिर जरा टाइम टेकिंग काम है, मैं कोशिश करूंगा मैं बना दूं। ठीक, थैंक यू। नहीं सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका कि इसके कंटेंट्स आपको पहले शेयर कर देने चाहिए थे। और दूसरे नंबर पे एक और बात मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द लेक्चर तो उसको उसी वक्त एड्रेस किया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि नहीं अगर वो देखिए उस वक्त, मेरी बात सुनिए ना प्लीज, आपको, जी जी बताइए वो वो अगर देखो। उसको आप उस वक्त एड्रेस नहीं करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर आगे उस पार्टिसिपेंट के लिए हो सकता है कि कन्फ्यूजन्स मजीद बढ़ जाए। तो मेरा ठीक ख्याल है है कि उसी के दौरान वो करना कर लेना अच्छा, चाहिए। अब आप देखें, आप देखें मैं एक तो आपको बताऊं, देखिए आप तो शायद क्लास ले रहे हो लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस है मैं क्लासेस देने का, ठीक है। उसमें होता यह है कि आप लोग जब बीच में इंटरप्ट कर देते हैं ना तो जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। दूसरा ये कि आपके जो सवाल होते हैं ना उनके जवाब आगे आने होते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को होता है ना कि वो जल्दी उस चीज के पास पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं हमें पहले ही इस चीज का आंसर दे दिया जाए। वो उस चीज का हर जो चीज आपको बताई जा रही होती है उसका जवाब आगे ऑनवर्ड्स आना होता है। हाँ बहुत रेयर है अच्छा, कि चलो ये 90% इसका की, इसका सर इसका मुझे ना कंप्लीट कर ये लेते, भी मुझे है कंप्लीट कि करने दे, मैंने ना, मुझे कंप्लीट कर, मैं आपको बता दूं, मैं मेरा भी एक्सपीरियंस है, कोई मेरा ख्याल 7 या 8 साल का टीचिंग का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है कॉलेज का। तो मेरा ख्याल माशाल्लाह। है कि मैं ये जानता हूँ, मैं खुद को टीचर नहीं कभी भी समझता था जब मैं मैं भी एज नहीं अ समझता, मैं लेक्चरर भी नहीं काम समझता। करता था और मैं स्टूडेंट की सिचुएशन में चला जाता था कि हाँ वो क्या इस वक्त सोच रहा है, उसका उसी वक्त होना चाहिए एड्रेस। और मेरा ख्याल है कि ठीक ही सर चल मेरे लिए जाता था, मुश्किल होगा, गलती मुश्किल मेरे करता लिए था। मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा ये चीज कि मैं उसी टाइम उनको एड्रेस कर सकूं, क्योंकि फिर मेरा जो है ना थॉट प्रोसेस वो इंटरप्ट हो जाता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ ये होता है कि आप लोग अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। दूसरा मैंने आपको यही गुजारिश की है कि आप अपने साथ नोट्स रखें, अपने पास पेन पेपर रखें, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फौरन नोट कर लें ताकि जिस टाइम मैं आपको अलाउ करूं आप करते जाए। मैं बीच बीच में से क्वेश्चंस लेता जाऊंगा, मतलब ये नहीं होगा कि मैं पूरा कोर्स पढ़ाने के बाद एट द एंड आपसे क्वेश्चन लूं। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक पे एक दो पेज हम टॉपिक क्लियर करेंगे, उस टॉपिक के बाद जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कन्वर्ट होने लगूंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन लाजमी लूंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि अभी ये जो कोर्स है ना आपके पास होगी बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज, आप लोग परेशान हो जाएंगे, उसके बाद एक से बढ़कर एक इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो कोर्स का टेम्पो है ना वो सारा खत्म हो जाता है और टाइम सारा जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है इररिलेवेंट क्वेश्चंस में। तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी पहली दो क्लासेस हमारी होंगी इंशाल्लाह इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना जो आपके दिल की भड़ास है वो आप निकाल सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ऑनवर्ड क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम टू द पॉइंट रहें, इररेलीवेंट क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके लिए तो लग रहा होता है कि वो क्वेश्चन रेलिवेंट है लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो फिर जो है ना इसे अनॉय हो रहे होते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं, तो कुछ के लिए वो बेनिफिशियल होती है लेकिन कुछ लोग इसे अनॉय हो रहे हैं, तो हमने सबको साथ लेके चलना है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एसओपी के साथ चलेंगे ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो और सब जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं कर सर सकूं सर अभी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, के हैंडल्स किए हुए, मैं एक एक बारी बारी आपको आप आइडिया कहूंगा ना तो वो फिर मुझे भी बताओगे कि मैं जी, किसको अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जब आप ठीक हैंडल्स है करते हैं तो मेरे पास सीक्वेंस में जी। हैंडल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो शाफित तारिक साहब आपका हैंडल अभी तक है, आपका क्वेश्चन अगर खत्म हो गया हो तो काइंडली इसको लोअर डाउन कर लें, थैंक यू जी। तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एलएलसी क्या चीज है सर, और इससे रिलेटेड लिमिटेड सर। लाइबिलिटी कंपनी, अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मैं असल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर पाकिस्तान में जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर है, यूएस में सर क्या होता है, और जो एलएलसी है सर ये किस में फाइल करते हैं, या यूएस में सिर्फ बस कंपनी ही होता है सर, थोड़ा सा सर इसके बारे में जरा बताइए। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, यूएस में ये होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप सिंगल मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, मल्टी मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, और जी तीसरी सर, उसमें एक ऑप्शन फॉर्म होती है जिसे आप कहते हैं सी कॉर्प, जिसे आप अगर आप पाकिस्तान की टर्म्स में अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है सर, ठीक है।
जो होती है आपकी मल्टी मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मल्टी मेंबर एलएलसी, वो होती है बेसिकली पार्टनरशिप, ठीक है सर। ठीक है। जो सिंगल मेंबर होती है वो आप सोल प्रोप्राइटर की टर्म्स में भी ले सकते हैं उसको, लेकिन वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, जी सर, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक, सर। वेलकम वेलकम जी। हुसैन अली वकार साहब, जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये था जी कि जी मैं इस वक्त यूएस में हूँ, ओहायो में हूँ सर। तो माशाल्लाह, मुझे एलएलसी फॉर्म करनी थी एक, और आईटीआईएन लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंकिंग के लिए, क्रेडिट स्कोर के लिए मुझे उसमें चाहिए। तो क्लास के एंड में काइंडली आप अगर 1-2 मिनट में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ये, कि ये कैसे मैं यहाँ देखिए, जो पर कर आई टी पाऊंगा आई सर। एन लेने का तो पूरा एक प्रोसीजर है, उसके लिए W7 फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जी उसके लिए होता है ये कि आपको मैं एक CAA जो होते हैं ना, सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट, उनकी तरफ मैं आपको एक रेफर कर दूंगा, तो वो आपको ठीक आई है टी सर, आई एन बना देंगे, ठीक है सर, ठीक है। उसका वो वो काइंडली आपको आप मैं क्लास के 100 से 250 डॉलर का आपको कॉस्ट करेगा। तो वो ये होता है जी, कि ठीक है आपका वो उसी टाइम, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन की आपके पासपोर्ट जी, वेरीफाई किया ठीक जाता है, वो आपको सारा, मतलब जिस तरह नोटराइज नहीं होता नोटरी पब्लिक वाले, इस तरह वो सारा चीज़ें चेक जी करते हैं, जी पूरी इसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है सारी डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद फिर आपका W7 फॉर्म फिल करके तो आपको ITIN दिया जाता है, तो उसमें तकरीबन 3 से 4 वीक्स का टाइम लग जाता है, ये ऊपर भी जी चला ऐसे ही जाता है। सर। जी सर, एक और चीज थी कि जब आप एलएलसी फॉर्म कर लेते हैं, तो जी अभी एज अ सोल प्रोप्राइटर की, तो कल को आप इसमें पार्टनर एड ऑन करना चाहें तो ये पॉसिबल होता हो है कि जाते, उसके लिए फिर बिल्कुल आप हो जाते, हो हो जाते हैं जाते, उसमें, हो जाते, हो जाते। ठीक है, ये इंशाल्लाह, क्लिक ये होगा। आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना, जब हम LLC फॉर्मेशन का पार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे। और सर वैसे हम फ्यूचर जो कोर्स में हम ITIN पे भी आप पढ़ाएंगे, यानी फ्यूचर में अगर किसी को गाइड करना हो तो वो हमें बेसिक उसकी नॉ हो होगी। बिल्कुल होगी। इसके जो कोर्स है, इस कोर्स के बाद हम लोग जो LLC की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में बैठ के कैसे कर सकते हैं, US में बैठ के कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट को कैसे हायर करना है, आपको ITIN लेना हो, EIN लेना हो, वो सारा आपको बताऊंगा। अब ये देखे ना, जैसे मैंने दो वर्ड बोले, ITIN, EIN, अब ये जो बाकी 40 लोग हैं ना, ये बेचारे परेशान हो जाए कि ये क्या बलाएं हैं। तो इंशाल्लाह जी आपको मैं सारी चीजें जो है आपको गाइड जी करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू। जी। रजाउल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम ठीक है सलाम, सर, आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थी। अभी 47 लोग पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं आपके पास सर, तो जी जी मैं ये चाहूँगा, रिक्वेस्ट होगी आपसे कि कोई भी आप अपने किसी स्टूडेंट की एक सक्सेस स्टोरी हमें सेपरेट लिंक पे अगर शेयर कर दें। और दूसरे नंबर पे सर, जिस तरह से मतलब ये सारा कोर्स लेके आप चलेंगे, तो काफ़ी सारे लोग न्यू हैं इसमें ना, तो थोड़ा सा बिल्कुल अगर आप एक रफ सा आइडिया हमें प्रोवाइड कर सकें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई न्यू कमर्स इसको आपके कोर्स को लेता है और उसके बाद वो एज ए टैक्स प्रोफेशनल जाना चाहता है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी उसने सॉफ्टवेयर परचेज करना होगा रिटर्न सबमिट करने के लिए या रिमेनिंग कोई चीज़ें होंगी, एक पाक रुपीज में एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी कहाँ तक पहुंच जाएगी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? अर्निंग या वो मैटर बात के हैं, लेकिन ठीक है। क्योंकि सर होता ये अभी जिस तरह 47 पार्टिसिपेंट हैं, एट द एंड ऑफ कोर्स आपको ज्यादा वैसे एक्सपीरियंस होगा, ये 7 या 10 नजर आएंगे आपको। हाँ ऐसे ही है, वो तो साथ साथ जैसे जैसे होता है, इंटरेस्ट लोगों का लूज भी हो जाता है, जी, तो अगर वो जिसमें इंटरेस्ट आप चीजें, अभी से डेवलप कर देंगे तो आई जी जी थिंक ये इंशाल्लाह, 47 इंशाल्लाह, ही इंशाल्लाह, रहेंगे। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। देखें, उसमें ऐसा है कि जो है ना सक्सेस स्टोरीज वाला पॉइंट, ये तो मैं इंस्टीट्यूट से कहूंगा, क्योंकि जाहिर, देखिए मैं तो इनके साथ अभी थोड़ा अर्सा पहले ज्वाइन हुआ हूँ, इससे पहले भी काफी इनके माशाल्लाह बैचेस चल चुके हैं। तो इसमें ये है कि सक्सेस स्टोरीज तो बहुत है, मैं इनको इंस्टीट्यूट वालों से कह दूंगा, आमिर साहब यूजली इनको देख रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको आपके साथ ना शेयर करें। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम किसी स्टूडेंट को जो माशाल्लाह कहीं ना कहीं अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो हम उनको किसी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास में, मतलब कि जो आउट ऑफ द वो होगी, क्योंकि जाहिर बात है ये हमारी लिमिटेड कोर्सेज क्लासेज हैं, तो हमने इसमें मैक्सिमम कवर करना है, तो हम किसी एक्स्ट्रा क्लास में कोई एक मैनेज कोशिश करेंगे मैनेज करने की कुछ संडे के दिन, तो हम आपको इंट्रोड्यूशन भी कराएंगे और उनको बताएंगे भी कि वो उन्होंने कोर्स करने के बाद क्या किया, लेकिन ये वादा नहीं करता, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी हम, कि हम आपको कराएं, ताकि इसमें ये होगा आपका मजीद आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा इंशाल्लाह।
और बाकी सर अगर बाकी सॉफ्टवेयर जहाँ, वगैरह परचेज हाँ करते हैं सच हम सब रिटर्न सबमिट करवाने के लिए। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अभी असल में आप लोग सवाल करें ना, सवाल से सवाल खड़े होते जाएंगे, हमारा टॉपिक बीच में रह जाएगा। खैर, लेकिन मैं ये तो ये जो दो सेशन है ना, इसमें मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अपने दिल के मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर कर लें, ताकि हम फिर ऑनवर्ड तसल्ली से आगे बढ़ सकें। जी सर, होता ये कि जब ये जो कोर्स है ना, आप पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कोर्स है टैक्स, यूएस का टैक्स प्रिपेयर कोर्स। इसकी हम जो अभी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एज अ टैक्स प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब आप इसको इन शॉर्ट टर्म समझें तो एक डाटा एंट्री, ठीक है, कि यस एक सर, टैक्स फॉर्म को फिल कैसे करना है, उसकी डाटा एंट्री कैसे होती है, उसके तौर पे फिल कर रहे हैं। अच्छा, इसका आगे स्कोप क्या है? स्कोप इसमें ऐसा है कि आपको, मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ये करने के बाद आप किसी बीपीओ फर्म के साथ अटैच हो, ठीक है, जो ये होती है ना बिजनेस प्रोसेसिंग, इस तरह कुछ करके नाम है इसका, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये बेसिकली होती है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये होती है कि यूएस की फर्म्स होती हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑफिसेस, बैक ऑफिसेस खोले होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कोर्स करने के बाद, आप जब उन बीपीओ के साथ अटैच होंगे, तो एक तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको वहाँ पे सैलरीज आपको अच्छी मिलेंगी, जो यूजुअली मैंने जितने लड़कों को देखा है, जो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में, तो 1 लाख से 1.5 लाख तक इजीली स्टार्टिंग ले लेते हैं। और फिर ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल का हो जाता है, तो 4 लाख 5 लाख तक सैलरी माशाल्लाह चली जाती है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोशिश ये कीजिएगा किसी बीपीओ के साथ अटैच हो। उससे फायदा ये होगा कि आपको इन 1 2 सालों में 3 सालों में इतने क्लाइंट्स और इतनी रिटर्न्स करने का मौका मिलेगा कि आप लोग खुद कफील हो जाएंगे, और फिर आपको आगे जो है प्रॉब्लम नहीं होगी अपना काम। साथ साथ जो है आपको कहूंगा कि आप फाइबर और अपवर्क और फेसबुक, इन 3 प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी प्रोफाइल मैनेज करें, बिल्ड करें, काम पकड़ें, और फिर उसके बाद यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपकी 2 अर्निंग सोर्सेज हैं। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपना टैक्स सॉफ्टवेयर खरीद लूँ, खरीदने को आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको पहले LLC बनानी पड़ेगी, फिर उसका EIN लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसका EFIN लेना पड़ेगा, फिर आप उसका सॉफ्टवेयर ले सकेंगे। तो वो एक लेंथी काम है, और फिर वो सॉफ्टवेयर भी आपको सस्ता नहीं मिलता। इंडिविजुअल का अलग $800 से $1,000 चार्ज करते हैं, बिजनेस का अलग से कोई $1,000 1,500 चार्ज करते हैं। तो वो अभी कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं होता। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कोशिश यही करें कि आप किसी बीपीओ फर्म के साथ अटैच हो, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप फाइबर अपवर पे तो काम उठा ही सकते हैं। और उसके लिए अभी इंशाल्लाह हम आगे आपको एक मैं सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ यूएस के फ्री टैक्स के सॉफ्टवेयर भी हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे आप इनकी रिटर्न बना सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम आपका आएगा, 2 महीने 3 महीने के बाद, जब हमारा कोर्स खत्म, जब 2 महीने के बाद जब हम अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको मैं जो है ना बेहतर गाइड करूंगा। उस टाइम आपको इन चीजों की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हाँ, अब मैंने जो है किस तरह अपना बिजनेस प्लान जो है ना लेके आगे जाना है, वहां पे आपको बेहतर आइडिया हो सकेगा इस चीजों का। और सर होप फॉर आपको, एग्जांपल जी मैं जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फाइवर से या अपवर्क से काम मिलता है तो इन केस जैसे ही रिटर्न फाइल करनी होगी तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो वो सब्सक्रिप्शन में जाए या जिस तरह से भी जाए, यानी इंडिविजुअल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आई थिंक, जी या जी मैं से अपने से अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि हम में से ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी किसी वो एक अनदर सोर्स के लिए ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, यानी पहली जी जी जॉब को छोड़ना नहीं चाह रहे, फाइबर या ठीक अपवर्क को है ही जाना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक उस है। केस में क्या होगा? देखिए, आपके पास जो ऑप्शन होगी ना, तो ये होती है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको आगे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं कि यार आप इतने डॉलर्स में इतनी रिटर्न्स हमसे ले सकते हैं। वो मैं कोशिश करूंगा, मुझे कोई अगर लिंक मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ये है कि आप उसके सेकेंड तरीकाकार ये होता है कि आपको जो हम सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, कि सॉफ्टवेयर में आपको रिटर्न बनाने के लिए तो हेल्पफुल होगा, लेकिन जब आप रिटर्न किसी की आगे करने लगते हैं, तो उस टाइम ये आपसे जो है वो रिक्वायर करता है EFIN या SSN नंबर। तो ऑब्वियसली अगर तो किसी का SSN नंबर होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ई फाइलिंग होती है उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि आप उनको जो फॉर्म हम जो हम रिटर्न बनाएंगे, उसको आपको मैनुअल में कैसे लेकर आना है, मैं आपको उसका तरीकाकार गाइड कर दूंगा। वो फिर आप ये करेंगे कि आप, और आपको जो फाइबर पर मिलेंगे ना, वो ज्यादातर मैनुअल ही मिलेंगे, क्योंकि वो मैनुअल वाली कॉम ज्यादा मिलती है। तो आप उनको मैनुअल रिटर्न बना देंगे, वो आप उनको PDF शेयर करेंगे, वो उस PDF को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, उस पर साइन करेंगे, और अपनी जो उनकी टैक्स अथॉरिटी है IRS, उनको आप वो जो है बाय कोरियर भेज देंगे, तो उनका मसला हल हो जाएगा।
थैंक यू इंशाल्लाह सर। कि अभी लास्ट ये वन क्वेश्चन सर, सिर्फ जी लास्ट जी वन सर। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आप बता रहे हैं मैनुअल रिटर्न, तो एस्टिमेटेड कास्ट मतलब एक न्यू कमर्स जो होगा प्रोफेशनल नहीं, अगर फाइबर जॉब पर पे होता है वो, तो उसको देखिए, एस्टिमेटेड कास्ट अंदाजन मतलब जो रिटर्न। अगर तो आपको अभी आगे जब आएंगे ना, आप स्टार्ट करेंगे, आपको एक वैसे तो मैनुअल रिटर्न पे तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आप ई फाइल करते हैं तो आपको PTIN ये एक रजिस्ट्रेशन होती है आपकी लेने के लिए, कि आप टैक्स प्रिपेयरर के तौर पे ना एक रजिस्ट्रेशन होती है, तो ये आपको लेना होगा। इसकी कॉस्ट तकरीबन आती है अराउंड $20 के ना, जी सर, तो ये एक आपको कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, PTIN मीन्स होता है प्रिपेयरर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको एक लेना पड़ेगा, वो आपको $20 के करीब कॉस्ट आएगी। उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, तो अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट की कॉस्ट एक ऐड कर लें। बाकी तो आगे आपने अगर जो अगर किसी को ई फाइल करके देना है, तो जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो तो जो ई फाइल चार्ज कर रहा है, जैसे टर्बो टैक्स हो गया या और हो गया, तो वो तो आपने उनसे लेनी ही लेनी है। उसके अलावा आप अपनी जो अपनी प्रेपरेशन की कॉस्ट है, वो आप $100 या $50 वो आप ऐड कर सकते हैं, वो जो भी जिसको भी आप चार्ज करना चाहेंगे वो आप अकॉर्डिंगली उसको चार्ज कर लीजिएगा। तो आपके जो स्टार्टिंग में तो आपका सिर्फ एक जो PTIN है उसी की कॉस्ट आपको आएगी। जी थैंक यू सर, बहुत ठीक शुक्रिया है, सर। सर वेलकम जी। मैं एक बात कह सकता हूँ? हेलो, कौन सा सर? आपसे पहले ना चार लोगों ने और हाथ खड़ा किया हुआ, ओके 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 तो ओके, श्योर हाँ, तो मैं बारी बारी ना आपको, श्योर मैं श्योर जैसे श्योर। आएगा मैं आता हूँ। ठीक है, हुसैन अली वकार साहब, हुसैन अली वकार साहब, आपका क्वेश्चन। हुसैन अली वकार साहब शायद वो बिजी हैं जी। मिस हिना हबीब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा, मेरी मुझे ये इंफॉर्मेशन लेनी है जो वॉइस का होगा, वो भी क्या हमारे इसमें इंक्लूड है कोर्स में, वॉइस का अकाउंट बनाना, और उसमें अगर कोई हाँ, जैसे इश्यूज आ जाते हैं हमारे। वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको बताएंगे। हाँ उसमें हाँ ट्रांसफर जैसे वाइज भी हमारा होगा, कोई, उसमें हाँ पेनियर भी जी, होगा, ठीक है, और वो भी आपको बताएंगे। बस खाली पायनियर और ट्रांसफर वाइज है, या कोई और भी हमारे पास अकाउंट होगा इसमें इंक्लूड? देखिए, जो यूएस का, ये बेसिकली यूएस के बैंक अकाउंट होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जैस कैश या इजी पैसा होता है, इस तरह वहां पे ये उन्होंने शुरू किए हुए हैं। तो लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये आप जब पाकिस्तान से इनको ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है ना, ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको अच्छा, बनाना तो हम मेरे सिखा पास, देंगे, लेकिन आगे हाँ जी, उनकी ड्यूरेशन कितने अरसे तक आपके साथ चलती है। आप पेनियर तो नहीं तंग करता, लेकिन ये ट्रांसफर वाइज हो गया तो ये आपको तंग करेगा, ये अच्छा, ज्यादा मेरे सा पास आपका साथ नहीं इशू निकलेगा। यही है कि थोड़ा अगर रीइंस्टेटमेंट का भी थोड़ा सा बताएं इसमें, कि नहीं हो सकता है कोई इसमें, जैसे किसका? वाइस का, मेरा जैसे वाइस का अकाउंट हमने जो है रिएक्टिव करवाना है। ठीक है, मेरा भी यही है कि मैं अभी, मेरी LLC है, ठीक है, मेरा वाइस का अकाउंट जो है ना डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, पायनियर जो है वो जब मैंने बनवाया था अपनी LLC, ठीक है, वो उसी टाइम जो जिनसे मैंने बनवाई थी उनसे पायनियर का अकाउंट नहीं एक्टिव हो सकता, उन्होंने फुल ट्राई कर ली थी, वो उसी टाइम पर डीएक्टिव हो गया था। मैं वाइस का ही रन कर रही थी, लेकिन अब मेरा वाइस का भी जो है ना डीएक्टिवेट हो गया। तो हमारे पास कोई अच्छा, और ऑप्शन हो, ठीक है, कि मैं अपनी वो LLC, क्योंकि उस पर मैं आपकी अपना सिंगल अमेजोन मेंबर पर एलएलसी है? वगैरह, जी, सिंगल मेंबर। अच्छा, इस पे देख लेंगे, वर्किंग कर लेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जब एलएलसी का कोर्स आएगा ना, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई अच्छा, अल्टरनेटिव इसका गाइड कर दूं। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके वालेकुम जी। अजीज खान साहब, सलाम सर। सर मेरा वालेकुम वैसे सलाम। छोटा सा सवाल है, छोटे इसी जी से जी रिलेटेड के, जो है मैं फुल टाइम एक प्रोफेशनल हूँ और मैंने ये कोर्स बेसिकली, मकसद मेरा सिर्फ यही है कि मैंने एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है और उसको सीरियसली कंसिडर करना है। अब मुझे अभी तो, और क्योंकि मैं हूँ एज अ बिल्कुल न्यू भी हूँ, ठीक है, तो मैं एज जी अ जी न्यू भी, मुझे इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मतलब ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, या इवन अगर मुझे लगता है कि मैं ये काफी जो है मतलब आधे टाइम में जाके इस काबिल हो सकता हूँ कि मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ, तो मुझे इस कोर्स से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी चाहिए कि मैं इसके एंड तक, इख्तिताम तक, ये जब ये खत्म होने वाला हो तब तक मैं किस पोजीशन में होऊंगा? आप एक रियलिस्टिक देखिए में जरा एक इंशाल्लाह, बात। हाँ इंशाल्लाह, देखिए इस कोर्स के एंड तक तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी टैक्स फर्म को जो है अपनी सर, बाकी लोग काइंडली अपना जरा माइक ऑफ कर लें, वो डिस्टर्बेंस पे, क्लास में डिस्टर्ब।
साथी, बेसिक मैं ये बता रहा था आपको कि आप इस कोर्स के बाद इस काबिल होंगे कि आप किसी भी टेक्स फर्म को अगर सर्विसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आप फाइबर अपवर्क पे किसी की टैक्स रिटर्न बना के देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में लोगों ने अमेजोन की वेबसाइट की वो खोली होती हैं, उनको टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी एक और कंप्लायंस होती है जिसे आप कहते हैं 5472, वो कंप्लायंस भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, तो वो करनी हो तो वो आप करके दे सकते हैं। तो आपकी मतलब कि एक जो सेकेंडरी इनकम है जनरेशन का, वो आपका एक अच्छा जो है ना यहाँ से बन जाएगा। सैयद सर जिशान सर अली लेकिन साहब, हम आपने सॉरी ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया हुआ है, कांजी इसको ऑफ सर करें। जी सर ये जी इसी से जी जमीनी सवाल है कि अब देखें, क्योंकि अब ये जो है आप टैक्स रिटर्न की जो वो है सर्विस है, ये तो एक खास सीजन की होती है ना, खास पीरियड के लिए होती है। अब मैं नहीं बेसिकली सवाल ये नहीं क्या कह अच्छा ये हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, इनका टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, 40-30% लोग होते हैं जो ये करते हैं। उसके बाद होती है एक्सटेंशन फाइल, ठीक है, वो एक सिंपल फॉर्म होता है, उस पर आप एक्सटेंशन फाइल करते हैं, वो आपको 6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं, जो कि अब आपका टाइम चला जाता है 15 अक्टूबर तक। तो आपके पास अक्टूबर तक आपके पास टैक्स रिटर्न का टाइम होता है, उसके बाद भी आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कहते हैं भाई मेरी तो 2 साल से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई, कोई कहता है मेरे पास 3 साल से रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई, तो ये तो काम आपका जो है साल साल चलता रहता है। तो इसमें ये सोचना कि आप जो है सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के लिए सीजनल काम कर रहे हैं तो वो नहीं है। आपको देखिए अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, 10 महीने आपके गुजर ही गए ना, नवंबर जी। दिसंबर पीछे 2 महीने आपके रह गए। अगर इन 2 महीनों में आप इंजॉय करें, वहां पे भी इन 2 महीनों में कोई काम बहुत कम ही लोग करते हैं, आपको पता तो है, वो उनके तो जो है वो वेकेशन स्टार्ट हो जाती है दिसंबर के अंदर, तो वहां पे भी यही सीन होता है। तो आपने अल्लाह ताला आपको कमाने का मौका दे, तो अगर आपने इन आठ दस आमीन। महीनों में अच्छा खासा कमा लिया है तो ये 2 महीने आप एंजॉय करें। ये तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये इंशाल्लाह कोर्स करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि अपनी जी सर्विसेज जी आम किसी फर्म को पार्ट टाइम भी दे सकते हैं, और बिल्कुल ये दे कि सकते अच्छा हैं, बहुत बहुत मिलती हैं फर्म्स सीजनल सही सही टैक्सपेयर्स के लिए, बहुत फर्म्स होती हैं। एक वेबसाइट है indeed.com, आप लोग सारे इसको चेक कीजिएगा, indeed.com पे जाइएगा, तो वहां पे मिस्टर रब नवाज काइंडली ये शेयरिंग ना करें, आप लोग ना इसको मोबाइल अगर है तो कोशिश करें इनको टेबल पे रख दें, ये कुछ इस तरह करें ताकि आपके टच से जो है ना वो फिर बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मैं ये बता रहा था कि आप सॉरी मेरे जहन से बात निकल गई, मैं क्या सवाल क्या पूछा था आपने। सर, आप कह रहे थे कि आप अगर आपने सर्विसेज देनी है आप indeed.com चेक करें हाँ इसके। जी हाँ जी, indeed.com चेक करें, वहां पे आपको आप देखें टैक्स प्रिपेयर और फिल्टर में जाके आप रिमोट लगा दें, आप देखेंगे डेली आपको 10-15 जो है ना वो मिलेंगी, और ये ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी आपकी ऑनवर्ड्स दिसंबर के बाद से ना, दिसंबर के बाद दिसंबर नवंबर दिसंबर में ये लोग हायरिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको और जब ये हायर कर लेते हैं ना और आपका काम अगर उनको अच्छा लगा है तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो खुद ही हायर कर लेंगे या आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलेंगे, तो ये तो इंशाल्लाह आगे आपके नसीब की बात है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, सबका अच्छा नसीब करे, थैंक यू। आमीन। अच्छा ये काइंडली कोशिश किया करें अपना नाम अगर मेंशन करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब आगे है 684707, अब मैं क्या कहूँ इनको, आपका सवाल है जी मिस्टर 684707। तो मैं कुछ बोल सकता जी, आप ही को ही बुला रहा हूँ मैं सर, हूँ? आपका ओके ही ओके। आप ही का नाम आ अच्छा रहा है 684 एक्चुअली इसमें707। मेरा मेरा ट्रायल वर्जन है ना, तो आज मैंने उनसे अच्छा की थी, तो उन्होंने मुझे नाम तो नहीं ऑब्वियसली नहीं दिया हुआ, तो ये ऑब्वियसली यही नहीं, नाम आ रहा है ये सर। ट्रायल वर्जन तो नहीं, आपको जूम मीटिंग में ट्रायल तो नहीं रिक्वायर्ड होता। नहीं ये एक्चुअली मैं कोर्स आज से कंडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लाइक मैं जो हूँ मुझे एक ट्रायल क्लास के लिए बैठाया गया है, मैंने नहीं, वो क्लास उनसे अलग है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जूम के ऊपर अगर आप ज्वाइन करें ना, तो जूम पे अपना जो प्रोफाइल में जाके अपना नाम अगर लिख लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी आपको जान सकूंगा, कल को भी सर मैं इसको आपसे। कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके अंदर, जी इसलिए मैं जी चाह कोई रहा हूँ बात कि नहीं, अपने फ्यू वर्ड्स मैं बता सकता हूँ कि जी जी वैसे तो जी देखिए मैं एलएलसी फॉर्मेशन वगैरह तो सारी चीजें मुझे आती ही है, माशाल्लाह और लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे कहते हैं ना कि आपने एलएलसी किसी की देखी बनाते हुए और वो सीख ली, वैसे तो मैंने कर लिया और टैक्सेस की भी बनाई है, डेलेवर की भी बनाई है, और SS4 EIN नंबर भी निकाल लेता हूँ सारी चीजें, लेकिन टैक्सेशन का ये मैं चाह रहा था कि मुझे इस तरीके से सीखें कि मैं ये लोग को ये बता सकूं कि अगर आप इस स्टेट के अंदर अपनी LLC बनाते तो उसके ये फवायद है, इस स्टेट में ये फवायद है, एक्चुअली मेन पर्पज ये है। बाकी ये जो ये 883 फाइल फॉर्म्स वगैरह हैं या ये जो फ्रेंचाइज फॉर्म्स वगैरह,
ये सब चीजें तो मोमेंट रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए हमारी चीजें हो जाती है, हम उनको पे कर देते हैं। ऐसे ही है, अच्छा, इसके अंदर ऐसे ही। पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि हम उसको जो हम हायर करते हैं रजिस्टर्ड एजेंट, हम उसको ये ना दें बल्कि हम खुद कर रहे हैं काम, एज ए रजिस्टर्ड एजेंट हम काम करें फ्री। इज इट देखिए, पॉसिबल फॉर अस उसमें टू उसमें उसमें कुछ चीजें जो होती है ना, वो तो आप खुद कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन को हायर करना पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे फॉर बिल्कुल एग्जांपल एलएलसी फॉर्मेशन है, एलएलसी फॉर्मेशन के लिए जी आप आपको जो है रजिस्ट्रेशन एजेंट हायर करना ही पड़ेगा, वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वहां पे उनको मीडियम चाहिए होता है कोई, कि जो आपके और यूएस के दरमियान कोई मीडियम के तौर पर काम करे, तो उनको वर्चुअल वहां पे तो एड्रेस रजिस्ट्रेशन या आपको एड्रेस चाहिए हो होता है। जी। हाँ, ओके और एड्रेस भी आपको चाहिए होता है, और उसके लिए वो या तो रजिस्ट्रेशन आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, या आप ऑनलाइन जो है एड्रेस परचेज कर लेते हैं अच्छा जिसके अच्छा ऊपर आपका ऐसा मेलिंग एड्रेस पॉसिबल है जिसे आप सर कि लिखेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि मैं जैसे यहाँ पर हूँ और मैं अपने वहाँ स्टेट्स में जो मेरा घर है, जो मेरे रिलेटिव का घर है, किसी का भी घर है, उसका एड्रेस मैं दे दूँ और मैं हाँ, खुद अगर एज ए आप रजिस्टर्ड एजेंट। उसकी इजाजत से अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दें, लेकिन एज अ रजिस्टर्ड आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप एज अ रजिस्टर्ड अच्छा, एजेंट दोनों मैं आप कर अगर सकते हो, यहाँ पर जो लोगों की फाइल करता हूँ वो एज एन ऑर्गेनाइजर करता हूँ ना, और वो ठीक है। मैनेजर होते हैं, वो ऑर्गेनाइजर, बीच में एक थर्ड पर्सन होता है जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है, तो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी हो सकती है मैं उनके बीच में इंटरप्ट करके उनसे टैक्स वगैरह पे जो होता है वो मैं खुद कर सकता हूँ, जैसे फ्रेंचाइज टैक्स वगैरह हो गया या 1040 NR हो गया, ये सारी चीजें मैं खुद कर सकता हूँ हाँ, ये 1040 NR। अच्छा, एक जी। आपको मैं बल्कि ये बताऊंगा भी कि आप लोगों ने जब फॉर्म्स के नाम लेने हैं ना, उनका नाम किसका लेने हैं। जैसे 1040 नहीं कहना, इसको 1040 नहीं कहना, इसे आपने 1040 कहना है, ताकि कल ठीक को है अगर आप किसी अब यूएस के आईआरएस कॉल कर रहे हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कभी रजिस्टर्ड एजेंट से बात कर रहे हो, तो अगर आप उसे 1040 कहेंगे ना, तो वो इसको जरा गलत लेते हैं। तो आप 1040 कहेंगे ना, तो वो उसको प्रोफेशनली इसको अच्छा ओके समझते ओके हैं। सही, तो आप इंशाल्लाह लाइक ये टेन इलेवन फोर्टी ट्वेंटी 1040 हाँ ये सारे इस जी तरीके बिल्कुल के कोड बिल्कुल होंगे सही। बिल्कुल। तो ये टेन तो फोर्टी बस एनआर आपको फाइल करना सिखाऊंगा, ठीक है, जी ताकि आपकी जब जिन लोगों ने ये अमेजोन पे काम कर रहे हैं खास तौर पे, वो जी अगर आपके पास कोई उनके कॉन्टेक्ट से मिलते जुलते, तो आप जी उनको 1040 NR बना के दे सकते हैं, वहां से आपकी अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा स्कीम की जो जो LLC बना के बैठते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है 5472, जी जो आपने उसकी 5.72 जी वो उसकी वो ईयर उसका पेनल्टी है $25,000 अगर आप फाइल ना करें, और वो स्टेट, ठीक है, तो वो आप उनको उसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। उसमें आपका $150 $250 जहाँ आपका जैकपॉट लगता है आप लगा वो आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको इंशाल्लाह मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। सही तो इसमें इस कोर्स के अंदर आपको सीखने के बहुत मौके मिलेंगे, आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जो जी स्किल बेस्ड होंगी, कि आपके पास एक स्किल आ जाएगा कि कल को आपको कोई काम मिलता है तो आप आराम से उसको करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि एक आपका छोटी दिहाड़ी लग गई है, वो आपका काम यहाँ पे, इस तरह की आपको काफी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। कि आप कहेंगे कि अच्छा यार, मेरी आज छोटी मोटी दिहाड़ी हर महीने कोई ना कोई लग जाती है, कि मेरी एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो जो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, कि एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगाने के लिए, तो वो इनशाला आपका इसमें पूरा होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बाकी कि मेरा प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मेरा माशाल्लाह। अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में अगर आ रहा हूँ तो क्या ये जरूरी है कि ACCA वगैरह की तरफ या नहीं नहीं कोई नहीं नहीं कोर्सेज नहीं वगैरह मैं बता, करना? देखें, हाँ देखें, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज आपको एडिशनल बेनिफिट जरूर देता है, लेकिन अगर आपके अकाउंटिंग नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको ये कोर्स जो है ना, बेसिकली ये कोर्स है टैक्स प्रिपेयरर का। इसमें आपको सिखाएंगे कि आपने डाटा कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो वो डाटा आपके सामने लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम लिखी है तो उसको अपने इनकम के साथ ला जाके ही डालना है। अगर किसी ने आपको W-2 सैलरी का फॉर्म दिया है, तो उसमें कौन सा जो डाटा किस हेड किस ब्लॉक में जाएगा, वो आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पर डाटा इसका 1 नंबर से उठा के 1 नंबर में डालना है, 2 नंबर से उठा के 2 बॉक्स में डालना है, 3 बॉक्स उठा के 3 बॉक्स में डालना है। तो आप अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपको इतना इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक आपकी अगर की अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो आपको जरूर एक एड ऑन मिलेगा, आपको आगे उनको मतलब सजेशन देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की टैक्स रिटर्न्स हैं, उसमें आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को पढ़ना कैसे है, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अगर आपको मिलती हैं तो उनको कैसे पढ़ना है आगे, वो तो उसमें आपको जो है एडेड बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो आपका काम गुजारा आपका इजीली चल जाएगा इंशाल्लाह। कि मतलब बुक कीपिंग वगैरह की तो नई चीजें सिखाएंगे लेकिन ये सारे फॉर्म्स वगैरह फिलिंग और ये सारी चीजें जी या जी बुक कीपिंग। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी सर। सर एक जी छोटी सी जी रिक्वेस्ट थी कि जी क्वेश्चन एंड जी आंसर जो है, वो लास्ट में रख लिए जाए, ताकि मैं हम अपना कोचिंग आज का जो है ना सर, मैं प्लीज बताता हूँ, सर, मैं ये आपको हम्बल बता रिक्वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम अभी जो है ना क्वेश्चन सर आंसर सब कोर्स के बाद करते हैं। ने क्या कहा है कि बुक कीपिंग नहीं करवाएगा? कर लिया आप, रिपीट कर दीजिए प्लीज। बुक कीपिंग
जो है ना वो तो एक अलग चीज है ना, बुककीपिंग का कोर्स तो इसमें नहीं है, ये तो आपको टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है। बुककीपिंग का कोर्स अगर है तो वो आईसीटी इंट्रोड्यूस कर रहा है भी उसका एक और कोर्स जिसमें आपको क्विक बुक्स और पेरोल का सिखाया जाएगा। तो अगर आपको बुककीपिंग सीखनी है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन सिलसिले में कॉन्टेक्ट कर सकती हैं आईसीटी की पालनी मैनेजर। था, बात हो रही थी तो आपने बुक कीपिंग के बारे में कुछ बोला था, तो मैंने आपको कहा है कि आप काइंडली वो रिपीट कर दें, मैंने ये बात कही है, इफ यू डोंट माइंड। नहीं वो बेसिकली वो जो भाई थे ना जिनका नंबर मुझे नाम नहीं पता, वो 687 4707 क्या था, वो जी ये कह रहे वलीद थे कि नाम है, अगर वलीद नाम है जी। मुझ हाँ सॉरी जी जी वलीद, वो ये पूछ रहे थे कि अगर बुक कीपिंग नहीं भी आती तो भी क्या मैं टैक्स प्रिपेयर का काम कर सकता हूँ। तो मैं उनको ये कह रहा था कि अगर आपको बुक कीपिंग नहीं भी आती और आपका काम भी नहीं है बुक कीपिंग करना, तो आपको तो चीजें सारी फिल मिलेंगी, आपको जस्ट सिर्फ पुट करके टैक्स फॉर्म को कैसे फिल करना है वो फिल करके आप वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा तो हम थैंक पहले ना क्लास वेलकम, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, यू क्लास के सर, साथ साथ मेरा आप लास्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन। कर लें, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं, लेकिन फिर कोशिश का इसके बाद क्वेश्चन अभी जो है ना, क्योंकि देखें ठीक ठीक तकरीबन 44 मिनट्स यहीं पे हो गए और हमारा जी जी 8:30 बजे क्लास, ये हमारी फिर आगे बस ऑनवर्ड्स जो है ना छोटा स्टार्ट सा करना। बस क्वेश्चन करना है मैंने आपसे। जी जी अस्सलाम जी जी वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है और मैं हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं यूके मार्केट की। हम लोग 1.5 1.5 साल से 2 साल हो गए हमें, जो जी कि जी हम लोग कंपनी फॉर्मेशन और वैट रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारे हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट माशाल्लाह के अंदर अच्छा काम हम लोग करते रहे हैं। तो अभी माशाल्लाह हम लोगों ने जिस तरह से मार्केट देखी है यूके की, तो वो अब की बार जो है काफी स्लो हमें नजर आ रही है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जो है ना यूएस मार्केट को हम लोग टारगेट करें। तो जस्ट माशाल्लाह अभी इस वक्त आपको इंटरप्ट करने का ये मकसद था कि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि अगर हम लोग यूएस मार्केट में भी हम लोग चले जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आफ्टर सम मंथ जाके इसकी भी मार्केट जो है वो ऐसे ही स्लो हो जाए, क्योंकि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं देखें, जो कि ऐसे हाँ सर्विस दे रहे हैं। देखें तो देखें क्या उसमें मार्केट आगे जाके ये कुछ इस तरह से स्लो हो सकती है, या फिर नहीं नए नए कस्टमर्स आते रहेंगे जो कि हमसे इस तरह की सर्विसेज लेते रहेंगे? बस ये कंफर्म करना था मैंने। देखें इसमें अब बाकी अल्लाह की जो रजा है उसमें तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन अभी तो ठीक माशाल्लाह यूएस की बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप इसमें है अगर एंटर हो रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह जो रिस्क है ना वो आपको नहीं वो छोड़ता, आप खुद रिस्क आपके पास खुद आएगा। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा स्लम्प आता है, जिस तरह अब पाकिस्तान का आप हालात देख सकते हैं, तो ये तो चलता रहता है। तो इसमें अगर ये कहना कि जी अगले ऐसे। 2 साल में यूएस की मार्केट नहीं ऐसी ही होगी, तो मैं इसमें तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है कहीं तो आप पहुंच जाएंगे वहां पर इंशाल्लाह, बस और कोशिश इसके अलावा अपनी जारी आप रखें। जी, और इसके अलावा आप कह रहे थे कि इस कोर्स के अंदर ना फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग जो है आपको डिजिटल बैंक्स की तरफ लेके जाएंगे, लाइक पाइनियर का अकाउंट है और वाइस का अकाउंट है, ठीक हाँ है? पाइनियर का अकाउंट, वाइज का हो तो गया, पाइस का ये तो स्ट्राइप हो चले गया, ये ठीक है, आपको बनाने सिखाएंगे। ये तो चले ठीक हो गए। तो बंदा वैसे भी एज एन इंडिविजुअल कोई भी अगर है वो भी बना ले, तो क्या अगर इसके अंदर कोई जिस तरह चेस बैंक हो गया या बैंक ऑफ अमेरिका या इस तरह के कोई उसके बैंक्स लिए भी इसके अंदर आपको एक आदन इंक्लूड होगा? फिजिकली आपको वहां पे यूएस जाना होगा, उसके लिए आपके पास आईटीआईएन ठीक नंबर हो हो और आपके पास ईआईएन नंबर हो, और तो फिर आप फिजिकली वहां पे ओके, तो क्योंकि फिर आपको जाना पड़ेगा, बैंक उसके का, इसके बगैर क्योंकि नहीं है बैंक आपको का भी। इस वजह से आपसे मैंने कंफर्म किया, क्योंकि हम लोग जब यूके मार्केट में हम लोग अभी काम करते रहे तो वहां पे जब हम लोग जो था वाइस, पायनियर, इसके अलावा स्ट्राइप, पेपाल भी, इवन के हम लोग फोर फोर जो गेटवे थे वो देते रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ के क्लाइंट्स हैं, उनका माइंडसेट ऐसा बन गया कि वो इस चीज को, और इवन के कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, ईबे हो गया या फिर एटसी हो गया, वो वाइस और पाइनियर को लॉन्ग टर्म पे अपने साथ चलाते नहीं है, ठीक है? वो आफ्टर सम टाइम जो है इसको खत्म कर देते, सस्पेंड कर देते हैं। तो फिर हम लोगों को ये होता था कि हम लोग वहाँ के कुछ लोकल बैंक अकाउंट्स हैं जो कि हम लोग फिर मैनेज कर लेते थे उनके लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती थी हम लोग उनके अंदर ऐड कर करा के, तो वो हम लोगों ने उनको बैंक अकाउंट्स दिए हैं जो कि लोकल बैंक हैं। तो क्या बस इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि अगर यूएस में भी नहीं कोई एक उसपे आधा बैंक। लोकल बैंक अकाउंट करना उसका तो मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि उसके लिए फिजिकली वहां पे होना जरूरी है, उस तरह वो जो है ना इजीली आपको नहीं देते एक्सेस। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है थैंक यू। अच्छा बाकी क्वेश्चंस हम आगे लेते हैं, आप लोग अपना बेशक हैंड रेज रखें, वो कोई समस्या नहीं, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ठीक है अभी हम जरा लेक्चर की तरफ आते हैं, आप लोग मुझे कंडीशन बताइएगा, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है जी सर कोई हो एक रही है सब? ठीक है अच्छा जी, हो रही है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस थैंक यू। अच्छा इसमें जो हमारा ये कोर्स है ना जिसको आप इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, बेसिकली आज का जो कोर्स है ना इसके अंदर आउटलाइन ही है आपकी तरह से ना, आप अगर उसको एज आउटलाइन भी लेना चाहे तो आप इसको दे सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम सीखेंगे आपकी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे,
ठीक है, थोड़ी सी उसके बारे में आपको समझाएंगे, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके जो टैक्स की बेसिस हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारा जो पार्ट टू होगा वो इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर आएगा कि एक इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न जो है, काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए काइंडली। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इंडिविजुअल टैक्सेशन की तरफ आएंगे। उसमें होगा ये कि आपको जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी टैक्सेशन कैसे की जा सकती है, या किसी ने अगर सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है, बिजनेस कर रहा है, तो उसकी टैक्सेशन कैसे की जा सकती है, या ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में आपकी आ जाएगी बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर आपकी सी कॉर्प आ जाती है, जैसे पाकिस्तान में अगर आप लेना चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस तौर पे बता रहा हूँ। तो उसके अलावा आपके पार्टनरशिप रिटर्न्स हो गए, जिसमें आप जैसे यानी कि मल्टी मेंबर एलएलसी भी आप कहेंगे, और उसके बाद आपकी इसके अंदर एक और वहाँ पे एक टैक्स का स्टेटस होता है जिसे आप कहते हैं एस कॉर्प, वो भी इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी। फिर इसके अच्छा इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम थ्योरी पे आपको थ्योरी का टॉपिक भी देंगे, पढ़ा भी देंगे, लेकिन हमारा फोकस जो होगा ना वो हमारा प्रैक्टिकल पे ज्यादा होगा। तो एक सॉफ्टवेयर है प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे और आपको हर मुख्तलिफ सिनेरियोस ये दिखाएंगे। फिर उन सिनेरियोस के ऊपर हम एंटर करते हैं, ये सिनेरियोस वो होंगे जो कि आपके 70-80% डेली आपके जो है ना ये आएंगे आपकी फील्ड, अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये डेली इसी तरह के ही सिनेरियोस ही मिलेंगे, 80-90% आपको ऐसे ही सिनेरियोस मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिकल से ये फायदा होगा कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जो अमेजोन का काम करना चाह रहे हैं, या जो अमेजोन का काम करने वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें हम एलएलसी के रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी भी हम सीखेंगे। फिर इसमें आपको आईटीआईएन कैसे बनाते हैं वो आपको बताया जाएगा, आईटीआईएन के बाद आपको जो है ईआईएन कैसे लेना है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर हम गाइड करेंगे। फिर आपको इसमें है, इसी में आपका जो है पेरोल की टैक्सेशन भी इसी का पार्ट है, ठीक, वो भी आपको गाइड की जाएगी, वो आपको सिर्फ ओवरव्यू दी जाएगा, आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि कैसे वो पेरोल की टैक्सेशन होती है। अच्छा, जो टैक्स हैं और टैक्स की क्या टाइप्स हैं, तो वो इसमें हमारे पास जो है दो तरह के टैक्सेस होते हैं यूएस के अंदर, एक होता है आपका फेडरल का टैक्स, ठीक है, और एक होता है आपका स्टेट का टैक्स। जिस तरह पाकिस्तान में होता है उसी तरह ही वहां पे भी है कि फेडरल, वहां पे आपकी 50 स्टेट्स है ना, तो हर स्टेट का अलग वहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई वहाँ पे सेल्स टैक्स चार्ज करता है, कोई नहीं करता किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ पे करता है, किसी के रेट क्या है, कोई वहाँ पे जो है वो इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स भी हैं तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ स्टेट्स हैं उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी है, और फेडरल की भी इसी तरह, फेडरल की कंप्लाइंसेस क्या क्या है वो आपको सारी ये इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। अच्छा, इसमें फेडरल में आपके दो तरह के टैक्स होते हैं, एक आपका होता है इनकम टैक्स और एक होता है आपका पेरोल टैक्स। वहां पे ये होता है कि जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में जो लोग इस टैक्स की फील्ड से रिलेटेड हो तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान में जब आप, या जो सैलरी बेस्ड पर्सन भी हैं, तो आप जब सैलरी लेते हैं ना तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स काट के आपको बकाया सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे आए, उसकी अगर 1 लाख सैलरी है तो उसकी जो स्लैब के अंदर वो आ रहा होगा, अगर आप 2 मिनट कैंडली अजान हो रही है तो मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा अजान के बाद फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। हेलो हेलो, 1 2 3 1। जी, सर क्या हो गया, खैरियत है? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा जी आ रही है। सर, ये कौन सी क्लास है? अच्छा ये यूएस की टैक्सेशन की क्लास है। आपने अभी ज्वाइन किया है? जी, अच्छा, आप काइंडली जरा वेट कीजिएगा, क्लास आपने क्लास के मिड में ज्वाइन किया, क्लास तो 8 बजे की शुरू हुई है, आप काफी लेट आ रहे हैं, तो ये क्या आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख के तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो बीच में काइंडली इंटरप्ट ना कीजिएगा ताकि फिर बाकी पार्टिसिपेंट से ना वो तरह तंग होंगे, ठीक है? फिका कराता है जी। ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो हम टैक्स और उसकी टाइप्स पे बात कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे यूएस में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है आपका फेडरल टैक्स, एक होता है आपका स्टेट का टैक्स। अच्छा, फेडरल में आपका इनकम टैक्स होता है और पेरोल का टैक्स होता है। पेरोल का मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आप पाकिस्तान में
आप सैलरी लेते हैं तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स काट के आपको सैलरी दी जाती है। तो इस तरह वहां पे भी यही है, वहां पे पेरोल की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वहां पे आपसे सोशल सिक्योरिटी का टैक्स लिया जाता है, आपसे मेडिकेयर का टैक्स लिया जाता है, आपका फेदर विदहोल्डिंग की जाती है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स हैं जो कि एम्प्लॉयर अदा करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे। फिर इसी तरह स्टेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस भी होते हैं। उसके अलावा सेल्स टैक्स होते हैं जो स्टेट जो है वो कलेक्ट करती हैं आपकी सेल्स के ऊपर। फिर इसी तरह इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में आपका इंडिविजुअल टैक्स जो मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न कैसे की जाती है, जो उसने इंडिविजुअल ने अपनी अर्निंग की है सैलरीज के थ्रू, अपनी सेविंग्स जो है, मतलब कोई कहीं सेविंग्स की हुई थी, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी बॉन्ड्स वगैरह में, वो स्टॉक्स वगैरह में, तो वहां पे क्या उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगी। उसके अलावा और कोई बिजनेस कर रहा है, वो कोई कंसल्टेशन दे रहा है, तो उसमें क्या टैक्सेशन होगी। फिर इसी तरह बिजनेस की टैक्स रिटर्न है जिसमें आपकी सी कॉर्प, आपकी एस कॉर्प और आपकी पार्टनरशिप की रिटर्न है, वो किस तरह इसमें की जाती है, कि आपको सारा इसके अंदर बताया जाएगा। यहाँ पे यूएस में ना चीजें ना काफी स्टैंडर्ड रखी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो आपको एक अलग से फॉर्म निकाल कर देगा। आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे सैलरी का फॉर्म मांगेंगे, वो कहेगा आपको किसी और तरीके से सैलरी का फॉर्म निकाल के देगा। तो यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में ना हर चीज जो है ना वो स्टैंडर्डाइज है। तो वहां पे आपको ये जो भी फॉर्म आपको जो नाम चार नजर आ रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह हमारी इतनी रेपिटेशन होगी कि आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छी बात है अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही समझने की कोशिश करते हैं और याद रखते हैं, तो ये चार फॉर्म्स अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी आगे आसान रहेगी। नहीं तो इंशाल्लाह हमारी रेपिटेशन इतनी होगी कि आपको ये याद हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल जो टैक्सेशन होती है ना, वो हम यूज करते हैं 1040 फॉर्म। इसको अपने 1040 नहीं कहना, 1040 नहीं कहना, इसको अपने 1040 फॉर्म कहना है। ठीक है, टेंस में इसको जो है ना आपने पढ़ना है। पहले दो को टेंस में पढ़ना है और अगले दो डेट्स को भी आपने टेंस में पढ़ना है। तो ये जो पर्सनल की टैक्स रिटर्न है, कोई पर्सनल है जो अपनी टैक्स रिटर्न कर रहा है या साथ में कुछ ने साइड बिजनेस किया हुआ है, सिंगल मेंबर एलएलसी रजिस्टर की हुई है, तो भी उसकी 1040 की रिटर्न जाती है। कैसे जाती है, कौन से स्केड्यूल यूज होते हैं, वो सारे इंशाल्लाह आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। इसमें हम 1040 पे हम मैक्सिमम टाइम लगाएंगे। इसके अंदर क्रेडिट्स वगैरह कौन कौन से हैं, टैक्स क्रेडिट्स कैसे लेने हैं, कहाँ कहाँ पे आप किसी को बेनिफिट दे सकते हैं अपने टैक्स उसके लिए, तो वो आपको सारा इसमें सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है बिजनेस की टैक्सेशन। इसके अंदर आपका जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूँ, तो आपका 1040 पे आपका तकरीबन 60-70% टाइम लगेगा, और बिजनेस टैक्सेशन पे आपका तकरीबन को 20-30% टाइम लगेगा। क्योंकि ये जब आप 1040 की चीजें आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए बिजनेस टैक्सेशन हलवा हो जाएगी बिल्कुल। उसमें सिर्फ जो है ना आपके तीन तरह के फॉर्म्स आएंगे, जिसमें आपकी पार्टनरशिप की रिटर्न, जिसे आप मल्टी मेंबर एलएलसी कहते हैं, ठीक है, कि एक एलएलसी किसी ने रिक्वायर बनाई है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी इज स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो उसकी रिटर्न जो है वो 1065 में जाएगी। लेकिन उसको अपनी पर्सनल रिटर्न भी फाइल करना होगी। ये कैसे होगा वो आपको इंशाल्लाह के गाइड किया जाएगा। फिर इसी तरह आपकी 1120 जो सी कॉर्प है, वो 1120 की रिटर्न फाइल करते हैं, उनका फॉर्म जो है वो 1120 होता है, तो वो कैसे फाइल की जाएगी, वो आपको सारा इंशाल्लाह इसके अंदर हम सिखाया जाएगा। फिर वहां पे एक और होता है एस कॉर्प का, एक टैक्स का स्टेटस है। बेसिकली एस कॉर्प कोई कंपनी नहीं है, एस कॉर्प जो है ना बेसिकली एक टैक्सेशन का एक तरीकाकार है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों किया गया है, ये सारा इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसकी रिटर्न जो है ना वो 1120 नहीं, 1120S कहलाती है, तो ये आपको इंशाल्लाह सारा गाइड किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले बढ़ने से पहले, ये जो मैंने भी आपको तीन चीजें बताई हैं, टैक्सेशन क्या है, टैक्सेस क्या है और टैक्स के फॉर्म्स क्या हैं, इसके मुताबिक अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा अली रामी साहब, अगर आपका इसी से 4 तारीख सवाल है तो प्लीज पूछिएगा, वरना फिर हम बाकी एंड पे कर लेते हैं, अगर नहीं, आपका आप इसके लिए इसके स्लाइड्स ला... जी आप जी स्लाइड्स चेंज कर देंगे जी, ये मैंने आपको क्लास को शुरू में भी बताया, ये स्लाइड आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, उसमें आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके जी नौरीन असलम साहब, साहिबा अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड है कोई, तो प्लीज गो अहेड। जो अब तक अभी हमने पढ़ा इससे मुताल्लिक कोई सवाल, नुमान सईद साहब, वालेकुम नहीं, इससे सलाम। रिलेट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा था तो आई थिंक एंड ऑफ चल द वो फिर सेशन। हम क्लास के एंड में सर करते मेरा हैं, क्लास के क्वेश्चन एंड है में करते सर, हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? शिराज हाँ, मैं आपको, आपने हैंड रेस किया हुआ है? जी,
मैं आपको बुलाता हूँ, मैं तरतीब से चल रहा हूँ, ठीक है। ओके नुमान सही साहब आपका सवाल नहीं है तो फिर तौसीफ अहमद साहब, जी, इससे सर इससे रिलेटेड सवाल नहीं है, जो एंड में क्वेश्चन सेशन वो करेंगे फिर मैं आप उसमें एंड, हाँ एंड में पढ़ूंगा। कर लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। बल्कि आप लोग ना जिनके अभी सवाल से रिलेटेड नहीं है ना, वो हैंड डाउन कर लें, फिर हम एंड में दोबारा इसको ना हैंड रेज कर लेंगे, ताकि वो फिर कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग ओके सारे अपने हैंड रेज डाउन, हैंड डाउन कर लें। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है तो प्लीज वो पूछ लें। तौसीफ अहमद साहब आपका हो गया, जी वली सर, साहब मैं सर जी सर मुझे पूछ मेरा रहा सर था, अभी ये जो क्वेश्चन सॉरी अभी कौन बोल रहा है, तौसीफ साहब बात कर रहे हैं। जी जी सर जी, जी सर आपने सर थोड़ी देर पहले कहा है कि यूएस टैक्सेशन में ना एक इनकम टैक्स है एक पेरोल टैक्स है सर। सर ठीक है। पाकिस्तान में ये दोनों एक ही में होते हैं सर, तो यूएस में सर ये दो हाँ, अलग अलग हैं या ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है? ये बेसिकली पेरोल की टैक्सेशन जो है ना, ये अलग है, और इनकम की टैक्स की टैक्सेशन अलग है, जी ठीक है सर। ठीक है। जो अभी आपको हम सिखा रहे हैं ना, उसमें आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, आपको उसके अंदर वो आपके सारे इनकम टैक्स रिलेटेड होगा। हाँ, अगर आपको कोई, इसमें आपको जो है ना पेरोल का भी सिखाया जाएगा, ठीक है, पेरोल कैसे मैनेज किया जाता है, उसमें क्या क्या टैक्सेस रिलेटेड होते हैं, उसका एक आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। तो वो ये होगा कि अगर आपको कल को कोई ऐसी जॉब मिलती है फर्म में, क्योंकि आपके साथ जो है ना बेसिकली ये बुक कीपिंग और टैक्सेशन, ये जी सर आपको ना कॉमन मिलेंगे काम, कि जो आपसे बुक कीपिंग कराएगा ना, वो आपसे टैक्सेशन, अगर आप उसको टैक्सेशन की ऑफर करेंगे ना, तो आपका ये क्लासिफाइड होगा। लेकिन अगर आप कहें कि यार मैं सिर्फ टैक्सेशन कर रहा हूँ और बुक कीपिंग का काम नहीं है, तो वो आपको बहुत कम क्लाइंट्स इस तरह के मिलते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके कहते हैं कि यार मेरी ये बुक कीपिंग भी साथ में कर दो, तो वो क्लाइंट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो बुक कीपिंग भी आपके साथ जो है ना वो कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें जो एक सॉफ्टवेयर होता है क्विक बुक्स, वो 90% लोगों ने वही यूज किया होता है, तो उसी के ऊपर ही जो है ना वो उनका डाटा उतार होता है सारा। वो आपको कहते हैं कि ये आप हमारा लिंक है, या आप यहाँ से लॉग इन करें, डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दें और हमारी रिटर्न फाइल कर दें। तो वो इंशाल्लाह आपको इसमें इस कोर्स के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है सर, ओके थैंक थैंक यू जी। वकास कमानी साहब, कासमानी साहब, यू। सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मुझे पूछना था कि जो 1040 का फॉर्म है, जैसे हम लोग यहाँ पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं या सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, सर वहाँ पे कौन सी इसके ऑर्डिनेंस होता है, क्या होता है, नहीं, क्या है? ओके, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती तो वहां पे। हम हाँ, ये इन्फॉर्मेशन वहां पे कैसे वो लें, ये ऑर्डिनेंस लॉस वगैरह कैसे पढ़ेंगे इसके हम? हाँ, ये आपको मैं आगे बताता हूँ, ये अभी अगली एक स्लाइड है ना, उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ। ये अभी अगली स्लाइड शुरू करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वो लॉस कैसे होंगे, क्या क्या होगा, चेंजेस आएंगी तो कैसे पता लगेंगे, वो सारा आपको मैं दिखाता हूँ आगे। चलें, ठीक है सर, शहराज सादी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये कि हमारा फील्ड अकाउंटिंग तो नहीं है ना, तो जो आपने बताया 1040, 1065, इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ फर्क हाँ क्या है, आगे आगे डिफरेंस क्या ये है? आपको सारा अच्छा, बताएंगे, सारा बताऊंगा, ठीक सारा है, बताऊंगा। ओके टेन ओके फोर्टी आपकी देखें, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल है ना, ओके आपने अगर एक आप इंडिविजुअल के तौर पे हैं, ठीक है, आप राइट। जॉब करते हैं यूएस में, तो आपकी रिटर्न जाएगी 1040 की। आपने ना अच्छा, साथ में शाम को कंसल्टेंसी का भी काम खोला हुआ है, ठीक है, आप जो है कंसल्टेंसी भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आर्किटेक्ट हैं और आपने जॉब करते हैं किसी जगह पे, तो वहां पे आपको जो है सैलरी मिलती है, जिसको वहां पे मिलता है आपको W2 फॉर्म, तो वो आपको मिलता है। आपने कहा जी ठीक है मैं अभी तो सैलरी पे काम कर रहा हूँ, मेरा W2 है, तो आपकी 1040 की रिटर्न चली जाएगी। आपने कहा मैंने शाम को जो है ना अपनी कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की हुई है, तो मैंने अपने ही घर के अंदर एक कमरा है वो मैंने मुख्तस किया हुआ है, उसके अंदर मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी देता हूँ, तो वो आपका जो है सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, तो आपने कहा वो भी फॉर्म आपका 1040 हो जाएगा। फिर आपने कहा यार मैंने ना अपनी LLC रजिस्टर कर ली सिंगल मेंबर, तो अब मैं क्या करूंगा, अब अभी भी आपका 1040 जाएगा। अब क्या हुआ, आपने आपके साथ एक दोस्त आया, उसने कहा यार मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, तुम माशाल्लाह आर्किटेक्ट का काम करते हो, तो हम मिलके अपनी एक अलग कंपनी खोल लेते हैं। आप दोनों ने मिलकर कंपनी खोल ली, उसका उससे कहते हैं मल्टी मेंबर LLC। अब आपका फॉर्म जाएगा 1065 का भी और 1040 का भी, ठीक है। ये अभी थोड़ी सी बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज होगी, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ये बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है आप लोगों के ऊपर, ठीक है, सही तो सही, इसको अभी हजम करने की कोशिश कीजिएगा। 1065 का भी आपकी रिटर्न जाएगी और 1040 की भी रिटर्न जाएगी, दोनों की अलग अलग 1040 की भी जाएगी और आप दोनों की कंबाइंड 1065 की रिटर्न भी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप लोगों ने ना एक सी कॉर्प खोल ली, उसमें आपके कोई फैमिली के मेंबर्स ये वो हो गए, कोई 10-15 शेयर होल्डर्स आपने ऐड कर लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे आप पाकिस्तान में समझते हैं, आपने वो खोल ली, तो अब क्या होगा, अब आपकी 1120 की रिटर्न जाएगी और साथ में आपकी 1040 की रिटर्न्स भी अलग जाएंगी। फिर इसी अच्छा, तरह टेन जो अगर आप जब आप 1065 में थे अभी, मतलब अगर हम वापस एक सिनेरियो पीछे जाते हैं, तो आप लोगों को ने कुछ जो है वो टैक्स की सहूलत क्या लेने के लिए ना एक एस कॉर्प में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। एस कॉर्प बेसिकली टैक्सेशन का एक मेथड है जिसमें आपका टैक्स नहीं कटता,
वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो होते हैं ना, जो बेसिकली आपके इंडिविजुअल पे पड़ रहा होता है, उसको बचाने के लिए ये एस्कॉप का मेथड यूज किया जाता है। तो अच्छा आपने आप एस्कॉप में शिफ्ट कर लिया, तो आपकी पहले 1120S की रिटर्न जाएगी और साथ में आपकी 1040 की भी रिटर्न जाएगी। तो ये इस ओके तरह चीजें चलती हैं आगे। ठीक राइट है, थैंक यू। ठीक है जी वलीद साहब, सॉरी तहसीन शहजाद साहब। सर मैंने पूछना था कि मेरा क्वेश्चन है कि जो पेरोल टैक्स है ये सर्विस प्रोसेस के लिए है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर एक सेकेंड, मैं हेडफोन कनेक्ट किया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो पेरोल टैक्स है ये सर्विस पर्सन्स के लिए है। हाँ जी जी सर थैंक यू। ठीक, हैंड डाउन कर लीजिए काइंडली जी। वरी साहब जी सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे एलएलसीज होती हैं, फॉरेन एलएलसीज होती है, लाइक उसके जैसे हम SS4 फॉर्म जब भरते हैं EIN के लिए, तो उसके अंदर हम पास देखते हैं कि फॉरेन एलएलसी है, तो उसके अंदर फॉर्म्स भी इनके अलग होते हैं, या जो सिंगल मेंबर एलएलसी है वो फॉर्म और जो US रेजिडेंट है उसका फॉर्म और हमारे फॉर्म एक ही होते हैं, सेम होते हैं, अलग जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट लाइक होता वंस है, दिस। नॉन रेजिडेंट होता है ना, उसका 1040 NR जाता है। अगर सिंगल जी मेंबर एलएलसी है, वो पाकिस्तानी है, तो उसका 1040 NR जाएगा। सही। और इसके अंदर, इसके अलावा हम दोनों की जो टैक्सेस हैं उसके अंदर भी फर्क होता है, वहां पे टैक्स ज्यादा, जो वहां पे रेजिडेंट है हाँ, उनको वहां ज्यादा पे टैक्स आपको देने। नहीं, वहां पे आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे अगर आप वहां के सिटीजन हैं, और अगर जी आप नॉन रेजिडेंट हैं आपको टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, टैक्स क्रेडिट्स ये क्या होते हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करूंगा। ठीक है। अच्छा, इनकी कोलैबोरेशन होती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से, कि अगर पाकिस्तान में रहने वाला है तो इनकी आपस के अंदर ये है कि आप अपना टैक्स फाइल, जो यहाँ पे जो आप फाइलर हैं, तो आप यहाँ के लिए भेजे, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए लोग 1040 जो होते हैं ना, जिन्होंने US जाना होता है, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक टिप दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए ना, ये वो क्या करते हैं, वो एक ना ऐसी LLC बना लेते हैं, और उसकी ना ऐसी कोई छोटी मोटी सर्विस डाल के ना छोटी मोटी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो कल को US की लिए वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो वो ये दिखाते हैं कि देखो मैं आपका वहाँ पे US में बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं आपको वहां पे टैक्स भी देता हूँ। तो उनको बिजनेस का जो वीजा लेना, जो उनको वीजा चाहिए होता है ना जाने के लिए, तो उनको उसमें सहूलियात मिल जाती है, उनको एक एडिटिव एडवांटेज मिल जाता है। जी, लेकिन सर ठीक मैं है, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का, इन लोग के ऐसे USA और पाकिस्तान ऐसा के कुछ आपस दरमियान। में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी अली रजा नाबे साहब, आपका है क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने स्लाइड्स पढ़ी है? नुमान मलिक साहब, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे वालेकुम आपसे ये पूछना था, जिस तरह के पाकिस्तान में जो नॉन रेजिडेंट है USA के और उनकी LLCs हैं, तो जैसे मेरे 3 years से मैं LLC को रन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे अकाउंटेंट हैं वो ये कहते हैं कि आप 1040 NR तब भी फाइल कर सकते हैं जब आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपके पास ITIN नंबर है, और हाँ अगर आपके पास ITIN नंबर नहीं है तो आप 1120 का फर्स्ट पेज और फाइव फोर 5472 सेवन टू का, जी 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 वो फाइल करके बेचने। तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये ठीक है? जो आपकी ये देखें अभी जो इस स्लाइड से, ये आप सवाल याद रखिएगा, ये आपने मुझसे सवाल जो है ना, ये आपने मुझे ये भी लेक्चर के एंड में पूछना है, ठीक है? नहीं तो अगर जी कल सर आपने लास्ट भी पूछना है अगर हमारा आज के टाइम नहीं बना, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, अभी इससे मुतालिक आप सवाल भरें। तो इनुमान भाई आपने ये सवाल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने मुझे करना है, ठीक है? क्लास के बाद करते हैं, या जो ये जो क्लास के एंड में जब ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लें फिर हम करते हैं, नहीं तो फिर आप कल के लेक्चर में उसे कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जी खाबर सदीक साहब। खाबर सिद्दीक साहब जी जी सर, मैं बात कर रहा हूँ। आपने अभी बताया था कि वहां पे एक होता है टैक्स इनकम टैक्स और दूसरा होता है पेरोल टैक्स, जी लाइक सेल्स टैक्स जो यहाँ पे होता है। अच्छा, नहीं, यहाँ सेल्स पे टैक्स अलग है, पाकिस्तान में पेरोल अलग है, मैं उसी तरफ आ सेल्स रहा हूँ। टैक्स अलग है, पेरोल। हाँ जी, हाँ जी, एक यहाँ पे फेडरल एक्साइज है, विथहोल्डिंग टैक्स है, यानी चार टैक्सेस की किस्में हैं, और हाँ एक इनकम होता है। क्या हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे, सारे टैक्सेस को डिस्कस करेंगे? देखिए, जो पेरोल है ना उसका तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस होते हैं और उनकी विदहेल्ड के रेट क्या क्या होते हैं, लेकिन जो आपका वहां पे बेसिकली हर चीज जो है ना वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, वो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की सैलरी बना दी है $10,000, तो वो खुद ही बता देगा कि इसका इतना पेरोल, इसका इतना ये टैक्स बनता है, इसका इतना टैक्स बनता है, इसका इतना टैक्स बनता है। तो
आपने इसको नेट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये टैक्सेस काटने के बाद नेट आपने इसको इतना देना है और ये टैक्सेस आपने इन इन अथॉरिटीज को जमा कराने हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है ना क्विक बुक्स कैसे हो गया, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे उनको जमा भी करवा देता है, और सर आप ही के यहाँ बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक होता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया था कि अगर वहां पे कोई यानी किसी ने एलएलसी खोली हुई है और वहां पे टैक्स दिया गया है, तो वो यहाँ क्या टैक्स पे करेगा या उसको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा देखिए इसके मुझे हवाले? पाकिस्तानी टैक्सेशन का मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन अगर वो उसने वहां पे जॉब कर रहा है और वहां पे कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो पाकिस्तान में अगर वो मंगवा रहा है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो आपका कोई पाकिस्तान का टैक्स बोर्ड कुछ करके है जिसके साथ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आप बाहर से जो भी सोर्स, हाँ वहां पे आप जो है जो भी होते हैं उसके मुखासे को 0.25% आप टैक्स पे करते हैं, तो वो आप वो आपने पाकिस्तान में आपको टैक्स को कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है ना इसका, नहीं नहीं तो नहीं आप जो पक रेमिटेंसेस जो है वो टैक्स फ्री हैं और डबल टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, यानी पाकिस्तान का टैक्स लॉ जो है ना वो डबल टैक्सेशन को अलाउ नहीं करता, यानी वहां से टैक्स टैक्स यानी जितने भी रेमिटेंसेस आते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं यहाँ से। ठीक है। अलबत्ता वहां पे जो भी जाएंगे यहाँ पे टैक्स होने के बाद, वो वहां पे जो भी जाएगा लेके पैसे जाएंगे उसके ऊपर टैक्स होगा। हाँ ऐसे ही है ना, जो अब आप यूएस में अगर आप हैं और आप यूएस के अंदर कमा रहे हैं, तो आपको जो यूएस की अर्निंग है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। नहीं, वो पाकिस्तान बेस्ड अर्निंग भी वो वहां पे टैक्स होगी अगर आप वहां पे लेके जाएंगे। अगर इसका मुझे आप मुझे चेक करने दें, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं आपको भी मैं आपको चेक, क्योंकि मेरे पास तरह का सिनेरियोज आए नहीं है, मैं चेक करके आपको चलिए बता दूंगा। ओके ओके थैंक यू। ठीक, थैंक यू। जी सैयद ईशान अली साहब। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया 1040 फॉर्म हम फिल करते हैं, अगर हम उसके बाद शिफ्ट होते हैं पार्टनरशिप पे या सी कॉर्प पे, तो ये हम उसके साथ भी ये 1040 हमें भरना पड़ेगा या हम देखिए जैसे टेन फिर सिक्सटी फाइव पार्टनरशिप? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी जी मैंने जी भाई को एक सिनेरियो बना के दिया ना, कि उसने जब किसी भाई के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने एक एलएलसी बनाई जिसमें पार्टनरशिप बना ली, तो उनको दोनों फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, उनको 1065 भी फिल करना पड़ेगा जिसमें उन दोनों की आप जो इनकम होगी वो आएगी, फिर उस इनकम में उनका कितना कितना शेयर है वो होता है K1 के नाम से, कि बेसिकली मैं आपको मैं इसलिए चाह रहा हूँ ना कि इतना चीजें लिमिटेड रखूँ, बम्बार्डमेंट ऑफ जब नॉलेज होगी ना, तो आप लोगों के जी क्वेश्चंस बहुत जी ज्यादा जी रेज हो जाते हैं, फिर वहां नहीं से बस मैं उनका यही शेयर कहना चाह रहा था निकलेगा, सर। उनका शेयर निकलेगा प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का जो शेयर है वो अपने 1040 में लेके जाएंगे, और 1040 में उसका टैक्स देंगे, 1065 में वो अपना टैक्स नहीं देंगे, 1065 में सिर्फ उनकी इनकम डिक्लेयर होगी, जो उनका टैक्स होगा वो उनका इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न 1040 के अंदर ही जाएगा। ठीक है सर, थैंक ठीक है, यू ठीक है। अजीज खान साहब। जी। सर मेरा सवाल ये कि अगर फॉर इंस्टेंस मुझे किसी भी तरह अगर इमिग्रेशन अगर मिल जाती है, कल एक सिनेरियो बात बिल्ड करो, कल मुझे हाँ सर, अगर इमिग्रेशन अभी अभी इस टॉपिक पे रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अभी स्लाइड्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, हाँ वरना आप ये स्लाइड्स के बाद कर लेंगे टॉपिक, या आप कल की इंशाल्लाह क्लास में कर लेंगे। ठीक है, मैं फायदे का पूछ रहा था कि मुझे आगे फायदा क्या हो सकता है। ठीक है, कोई बात। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैं बेसिकली स्लाइड्स चाह रहा हूँ कि हमारा ये आज के जो क्लास है ना, ये जाया ना जाए, तो क्योंकि मुझे अभी ये जी दो तीन क्लासेस ऐसी हैं जो इसमें आप लोगों के ना क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे, तो मेरी ये कोशिश होगी कि इन दो तीन क्लासेस में आपके जो इरेलीवेंट क्वेश्चंस है ना वो भी आंसर कर दूं, ताकि फिर ऑनवर्ड्स हम जो है ना तसल्ली से चल सकें। तो आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, खबर सदी का आपका क्वेश्चन हो गया था मेरे ख्याल से, आपका हैंड रेस शो हो रहा है। मेरा हो गया था जी। जी, कांटी हैंड डाउन कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह FBR है, इस तरह आपका यूएस में है IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, वहां पे उनकी जो टैक्स अथॉरिटी है उसको IRS कहते हैं, और ये 1862 में बनी थी, और ये वहां की जितनी भी फेडरल के आपके जो टैक्सेस की रिक्वायरमेंट है वो सारी वो देखती है, कि टैक्सेस के जो लॉज हैं वो सारे इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, टैक्स वगैरह का सारा वो ये वहां पे देखते हैं। तो आपकी ये जो जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपकी जो है ना IRS से दोस्ती लाजमी होनी चाहिए, आपको IRS की वेबसाइट जो है ना वो बार बार खोलना चाहिए, और खोल के उसको स्टडी भी करना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी वेबसाइट खोल के, मैं आपको इसका जरा थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। मैं शीट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे, आपको शो हो रही है वेबसाइट? जी सर हो रही है। थैंक यू जी थैंक यू, हाँ बस जी एक सर हो रही है। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखें, ये IRS की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपकी ये देखेंगे फ्री फाइल कैसे कर सकते हैं आप, टैक्स प्रिपरेशन के ऊपर आपको नॉलेज कैसे मिल सकती है, ये काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। और जब आप इंशाल्लाह आगे आप PTI लेंगे या PTN जिसे जो भी दो आप बोलना चाहें, तो आपको उसमें भी जो है वो फिर ईमेल्स के थ्रू भी आपको जो है ना जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपके साथ वो शेयर करेंगे ये आपके साथ, ठीक है ना। ये वेबसाइट है, इसको अपने बुकमार्क बना लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारा जो है ना आगे दारो मदार चलेगा, आपके अंदर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप इसी पे लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक 1040 फॉर्म हम बात कर रहे थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको हर चीज हर इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। तो जो भी आप फॉर्म खोलेंगे ना उसके इंस्ट्रक्शंस पे जरूर आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये इसका इंस्ट्रक्शंस है। 1040 आपका रेगुलर फॉर्म है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं आई गेस 65+ एज, उनके लिए 1040 SR होता है। जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके लिए 1040 NR होता है। अब ये फॉर्म आपके सामने खोलता हूँ मैं। ये देखिए, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या खुल के आ गया, क्या बला है, क्या है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये फॉर्म होता है, इसके अंदर आपका नाम, ये सारा सॉफ्टवेयर खुद ही फिल कर देता है, आप लोगों ने बस एक बार एंट्री करनी होती है, तो वो आपके सारी इंफॉर्मेशन खुद ही माफ कीजिएगा आ रही होती है। फिर यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस होते हैं, ये आगे भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सिंगल फाइलिंग स्टेटस है, अगर आप मैरिड हैं तो आप और आपका स्पाउस जो है वो आप मिलके फाइल करेंगे अपनी रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने अपनी इनकम शो नहीं करनी, तो आप अलग अलग शो करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह वहां पे अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं, आप मैरिड नहीं है, या आप तो आपके साथ आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड की रिटर्न में कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर इसी तरह क्वालिफाइंग स्पाउसेज होते हैं कि जिनके आपको बताओ जो विडो होती हैं, या आपका कोई भी स्पाउस जो है वो मर गया है, तो आपको फिर आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के स्टेटस में फाइल करते हैं। वहां पे ये पांच स्टेटस आपके चलते हैं। फिर आगे डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन वो सारी इसमें आ रही होती है, कि कौन से डिपेंडेंट्स हैं, उनकी एज कितनी है, उनके आपको आगे क्रेडिट्स मिलते हैं। फिर इसी तरह ये जो डाटा है ना, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में फिल होता जाता है, कि आपने W2 सैलरी से कितनी इनकम कमाई, बिजनेस से कितनी इनकम कमाई, ये सारा ये सारे फॉर्म आपका, ये आपको सिर्फ मैं भी दिखा रहा हूँ आगे क्या होगा, कैसे फिल करना है, ये आपको सारा इंशाल्लाह सिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर ये एंड में आप का साइन वगैरह सारा, और फिर अगर आप प्रिपेयर है तो वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। अदरवाइज जो बंदा जिसकी सैलरी जिसका होता है वो अगर वो खुद प्रिपेयर करा रहा है तो वो फिर अपने साइन यहाँ पे करके तो वो फिर आगे ये IRS को भेज देता है, अगर मैनुअल रिटर्न दे रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं वापस स्लाइड की तरफ। अच्छा, इनकम टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स जो है ना ये वर्क कैसे करता है, ये बेसिकली आपकी जो एनुअल अर्निंग्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी जो है आपके उसके ऊपर आपका टैक्स जो है ना वो इम्पोज किया जाता है, ताकि आपके जो हुकूमत के खर्चे हैं वो सारे उसके ऊपर आपके चल सकें, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, जिसमें आपकी सैलरीज हो गई, आपकी कमीशन हो गया, आपके बोनस हो गया, आपकी टिप्स हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी, और दूसरी टाइप का जो है अनअर्न इनकम कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनअर्न इनकम में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे एक बहुत मशहूर चीज़ है एलिमनी, ठीक है, वो आपके अनअर्न इनकम का पार्ट है। तो ये उसके ऊपर टैक्स करना है नहीं करना है, कितना करना है, ये सारी जो है उसकी वर्किंग सारी जो है ये फेडरल आपके उसके अंदर इनकम टैक्स में आती है। अच्छा, वहाँ पे भी जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्स, इस तरह जो है ना वहाँ पे भी प्रोग्रेसिव सिस्टम है, कि आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आपके पास टैक्स भी ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको क्रेडिट्स ज़्यादा मिलेंगे और टैक्स भी कम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपके टैक्स क्रेडिट्स कम होते जाएंगे और आपका टैक्स की रेट बढ़ता जाएगा। तो जो वहाँ पे इंडिविजुअल को टैक्स चार्ज होता है ना, वो 10% से 37% तक जाता है, ठीक है। तो इसको लोग जो आपका आगे है सी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप पाकिस्तानी से अंडरस्टैंडिंग करना चाहें, तो वो उसका जो टैक्स का उसका फ्लैट रेट 21% होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनका आपका 10% से 37% जाता है। अब आप पूछेंगे कि यार आपने 1040 भी बता दिया, 1120 भी बता दिया, ये देखें 1040 भी मैंने बता दिया आपको,
मैंने आपको 1120 बता दिया, इनका नहीं बताया। तो ये टैक्स रिटर्न्स जो होती है ना, ये सिर्फ आपको प्रॉफिट का शेयर बता देती है। इधर से निकलता है K1 फॉर्म, ठीक है, जो बताता है कि आपकी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कितना है, और वो आपका प्रॉफिट जो पोर्शन है ना, वो आप अपने इंडिविजुअल टैक्स की रिटर्न 1040 के अंदर स्केड्यूल ई में लेके जाते हैं। स्केड्यूल वहां पे मुख्तलिफ स्केड्यूल्स होते हैं, स्केड्यूल सी में आपकी बिजनेस इनकम जाती है, स्केड्यूल ई में आपकी जो LLC इनकम आ रही होती है वो जाती है, K1 जिसे आप कहते हैं, तो वो आप उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद टोटल जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम AGI बनती है, उसके ऊपर आपका ये टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज आपकी लिखी है, कि टोटल ग्रॉस के ऊपर आके आपके टैक्स रिटर्न की टैक्स का रेट लगता है। फिर ये कुछ स्लैब्स हैं जो एनुअल की, बेसिकली ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये बेसिकली थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, मैं 2022 और 2023 का, 2024 की रिटर्न तो अभी फाइल नहीं हुई, तो ये 2022 और 2023 का डाटा है। तो इसमें आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कितना टैक्स ब्रैकेट्स होती हैं, किसके पे कितना टैक्स लगता है। वहाँ पे 10% शुरू होता है, कि अगर आपकी इनकम टैक्स की ब्रैकेट जो है वो सिंगल है, तो आपको 10,275 या लेस है, तो आपको 10% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं, तो ये डबल हो जाता है, 10,275 का डबल करें तो 20,550 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं, तो 14,650 हो जाएगा। और अगर आप मेरिट फाइल क्वालिफाई मेरिट फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं, तो फिर आपका 10,275 ही बनेगा, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइंग स्पाउस होंगे, तो वो फिर आपको ये वाला मिल रहा होगा, वो आगे आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह फिर 2% का फर्क हो जाता है, अगर आपका इस स्लैब में आ जाते हैं सिंगल हैं, तो 10,275 से अगर आप 41,775 तक आ जाते हैं, तो आपको 12% टैक्स लगेगा। इसी तरह स्लैब बढ़ती जा रही है आगे, ठीक है ना। और ये 37% जो है, जहां तक ये चला जाता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सारा जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको खुद कैलकुलेट करके देगा। आपने जस्ट सिर्फ डाटा एंट्री करनी है, ये इनकम है, इनकम डालनी है, ये आपके डिडक्शंस हैं, ये जो मतलब जो खर्चे हैं वो आपने खर्चे डालने हैं, और उसके बाद वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका कितना टैक्स बना है। अच्छा, इसके यहां तक अगर किसी भाई का कोई सवाल, क्योंकि फिर मैं अब आगे जाने लगा हूं, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा। किसी भाई का सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, जी सर, हैंड रेज कीजिएगा। अच्छा जी वली साहब, नहीं पहले हसैन अली वकार साहब है। सर ये आपने बताया 10,275 और लेस, ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आपकी एग्जेम्प्टेड होती हैं टैक्स स्लैब्स होती हैं, तो US में भी है, ये US में मिनिमम आप हाँ अगर वहां कुछ पे भी भी है, अर्न कर रहे हैं तो बिल्कुल टेन है परसेंट बिल्कुल है देना है आपको। बिल्कुल है, वहां पे होती है, मिलती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है मिलती है आपको ना, कि आपको कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको इतनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर आप मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली है तो उसकी डबल हो जाएगी, तकरीबन कोई 22,000 कुछ करके मिलती है। तो वो उस तक या उससे कम आपकी आपकी इनकम है ना, तो आपको टैक्स नहीं बढ़ता, बल्कि उल्टा आपको क्रेडिट मिलता है, और आपको पैसे देते हैं वो IRS वाले। अगर वो टैक्स क्रेडिट आपका रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट में आ रहा है, तो आपको उल्टा पैसे मिलते हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल आपकी डिपेंडेंट्स की एक है, कि आपका अगर डिपेंडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है आपके पास, आपको $2,000 आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो वो आपको उल्टा टैक्स पैसे मिलते हैं। तो वहां पे तो लोग टैक्स रिटर्न फाइल इसीलिए करते हैं कि हमें पैसे मिले वापस, रिफंड हो हमारे लिए। तो वहां पे इसीलिए जो है ना, टैक्स रिटर्न फाइल करने का रुझान बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लोग जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो पैसे देने वाले कम है, लेकिन पैसे लेके जाने वाले वहां पे ज्यादा होते हैं। जी वली साहब, ठीक है सर। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो IRS है, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर फेडरल और स्टेट दोनों के टैक्सेस इसी के थ्रू ही पे किए जाएंगे या फाइल किए नहीं जाएंगे? नहीं 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 देखिए, जिस तरह पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आयरिस का एक सॉफ्टवेयर होता है जो FBR ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसके अंदर ही आपके सारे टैक्सेस चल रहे होते हैं। और आपका एक PRA है, या पंजाब में है, या SRB अगर आप सिंध से हैं, तो वहां पे आप अपनी जो रेवेन्यू जो सर्विसेज की रिटर्न है वो आप फाइल कर रहे होते हैं। लेकिन जो वहाँ पे है ना US में, वहाँ पे सिस्टम फर्क है। वहाँ पे आपने अगर तो आपका इनकम टैक्स जो है ना, वो तो आपने फेडरल, वो आपने उसको IRS डील करेगा, IRS, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टेट का टैक्स है, तो वो आपकी स्टेट डील करेगी आपको, उसमें IRS इन्वॉल्व नहीं होगा। और आपको जो उस टैक्स का सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आप इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्रोकरेक्ट सॉफ्टवेयर जो हम इंशाल्लाह यूज करेंगे, ये क्विक बुक्स का ही सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको जो है ना, आपकी फेडरल की रिटर्न और आपकी स्टेट की रिटर्न, दोनों की रिटर्न आपकी साथ एक साथ वर्किंग करता है। तो आपको दोनों की रिटर्न बना के देता है, कि आपने स्टेट में कितना टैक्स जमा कराना है और आपने फेडरल में कितना टैक्स जमा कराना है, ये आपको दोनों की रिटर्न बना के देता है। ठीक है, और ये वेब फाइल क्या होता है सर? ये भी इसी के हवाले से ही कोई पोर्टल है ये या ई इसी? फाइल, ई फाइल, ई फाइल, ई फाइल,
ई फाइल है, ओके ठीक है। अच्छा और तो किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास वैसे थोड़ा सा टाइम कम रह गया, तो अभी मैं सिर्फ आपको अगला ओवरव्यू दूंगा, इंशाल्लाह कल इसको हम जो है ना इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे। ये बेसिकली आपको सिर्फ समझने की हद तक आपके लिए ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है आप, लेकिन आपको अगर नहीं भी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो रही तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इतने प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने जो डाटा जब आप एंटर करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ही निकाल के दे देगा। हाँ अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप कर लेते हैं तो कल को आपको जो है अपने टैक्स के क्लाइंट्स हैं उनको बेहतर समझाने में, उनको क्रेडिट्स लेने में, तो आप उनको अच्छा एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, सिंपल, आपने ग्रॉस इनकम कमाई, ग्रॉस इनकम में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, वो आपने एडजस्टमेंट्स माइनस करते हैं तो आपकी एजीआई आती है, स्टैंड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अच्छा इसमें अंदर आपको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन, दो डिडक्शन होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये होता है कि आपको एक अमाउंट दे दिया कि भाई ये एक्सपेंसेस आप माइनस कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख सैलरी कमाई है तो आप ये एक्सपेंसेस माइनस कर लो, सिंपल सिंपल हम इसका आपसे कोई पूछेंगे नहीं कुछ, आपसे इंफॉर्मेशन कोई आपका ऑडिट नहीं खोलेंगे, आप ये अमाउंट माइनस कर लो और बाकी अमाउंट पे टैक्स दे दो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने तो मॉर्गेज के पैसे दिए, मैंने तो मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो फिर आप आइटमाइज डिडक्शन होती है, उसमें फिर आपको रसीदें संभाल के रखना पड़ती हैं 3 साल के 5 साल के लिए, और वो फिर आपको अगर ऑडिट आता है तो आपको वो दिखानी भी पड़ती है, ठीक है। वो करने के बाद आपकी आ जाती है टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई डिडक्शन। अब क्यूबीआई क्या है ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्यूबीआई की छोटी सी डिडक्शन मिलती है उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर, तो फिर आप माइनस करने के बाद आपकी जो इनकम आती है वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर आपका फेडरल का टैक्स अप्लाई होता है, और उस टैक्स के अप्लाई करने के बाद फिर आपको कुछ टैक्स के क्रेडिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके डिपेंडेंट्स हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, आपने घर से बिजनेस कर रहे हैं तो अपना घर का कुछ पोर्शन आप जो है वो घर बिजनेस के तौर पर यूज कर रहे हैं तो आपको होम यूज ऑफ बिजनेस वो मिलेगा, आपने व्हीकल इस्तेमाल किए अपनी बिजनेस के तौर पे तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, कि मुख्तलिफ तरह के क्रेडिट्स हैं। इसी तरह आपके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो आपको उनका क्रेडिट मिलेगा, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्रेडिट मिलेगा, तो ये मुख्तलिफ क्रेडिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 1098 फॉर्म मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आप देते हैं तो फिर आपको उसका क्रेडिट मिलता है। तो ये सॉरी टैक्स क्रेडिट माइनस टैक्स के इनकम में से वो टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद आपने अगर और इसके अलावा जो आपकी कोई और जो है आपने कोई एडवांसेस वगैरह दिए हुए हैं, जैसे आपने नहीं वो बोल के आगे आएगा, तो इसके बाद फिर आपका आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये वो उनको पर लगता है जो के बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता, जो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं उनके ऊपर लगता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये वो पे करते हैं। वो पे करने के बाद जो आपने पेमेंट्स की होती हैं, पेमेंट्स में आपकी विदहोल्डिंग होती है, जो विदहोल्डिंग हुई भी आपकी W-2 फॉर्म में सैलरी के ऊपर विदहोल्डिंग हुई भी है वो आपकी माइनस कर दी जाती है। फिर इसके बाद आपने अगर वहां पे एक तरीका का रहा है कि आप अपना एस्टिमेटेड टैक्स अपना क्वार्टरली जमा कराते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका है कि यार मेरी इस साल जो है वो 60,000 सेल इनकम होगी, तो 60,000 पे जो टैक्स बनता है उसको आपने पिछले साल की जो इनकम आपकी बनी है ना, वो अपने जो पिछले साल की इनकम थी फॉर एग्जाम्पल 60,000 इनकम थी आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस साल जो है 60,000 का 110% लोगे और उस पे जो टैक्स बनेगा उसको आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके आप क्वार्टरली पे कर दोगे, तो इसको कहते हैं एस्टिमेटेड टैक्स। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो आप एडवांस में जमा कराते जाते हो ताकि आप जब टैक्स रिटर्न के टाइम पे आओ तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो या आपको रिफंड मिल जाए। फिर इसी तरह आपकी जो एक्सेस कोई पैसे जमा हुए होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, वो आपको रिफंड मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर जो अगर आपने कोई लास्ट ईयर कोई अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है और आपने वो क्लेम नहीं किया तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो आप क्लेम करके उसके बाद फिर आपको या तो टैक्स ड्यू की अमाउंट निकल आती है या आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको जो भी पहले बता रहा था कि लोग ज्यादा रिफंड के लिए भी टैक्स रिटर्न करते हैं वहां पे। अच्छा ये इंशाल्लाह हम आगे करते हैं, इसी का ये इसी का पार्ट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है, जो ये काम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में तक अभी फिलहाल इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए, तो कल हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को जरा कम रखें जो अनरिलेटेड है, लेकिन मैं आपको इन सारों के आंसर देता जाऊंगा क्लास के साथ साथ चलते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा साथ है तकरीबन 3 महीने, और 3 महीने के बाद भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्प के लिए अवेलेबल होगा, कोई समस्या नहीं है। तो अभी अगर कुछ सवाल हैं छोटे छोटे हैं तो काइंडली जरूर कर लें। जितने नुमान सही साहब
सर मैंने पूछना ये था कि आप ये टैक्सेशन तो हमें सिखा देंगे, फिर आप कह रहे थे कि आप सब्सक्राइबर पे या अपर पर भी जो काम कर रहे हैं काबिल हो जाएंगे, तो क्या थोड़ी सी फ्रीलांसिंग का भी प्रोसेस सिखाएंगे आप लोग हमें, कम के साथ मैं सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे ना तो मैं प्लेटफॉर्म आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, मैं आपको साथ साथ गाइड करता दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को 1040 की रिटर्न फाइल करके देनी है तो आपने मिनिमम कितना चार्ज करना है, आपको कॉस्ट क्या क्या आएगी उसमें। मैं आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको साथ साथ देता जाऊंगा। आगे किसी को ITIN बना के देना है, कितना आप कितने तक चार्ज कर सकते हैं, आपके पास कितना ब्रैकेट है तो कहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, आपको उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, उसके ऊपर आपने कितना ऐड करके आमतौर पर लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ देता जाऊंगा। साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि ITIN नंबर्स और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हाँ हैं किस जी तरह से हम लोगों को लेनी है। वो इंशाल्लाह LLC का जो पार्ट होगा उसमें आपको बताएंगे, जब LLC फॉर्मेशन का पार्ट होगा उसमें LLC फॉर्मेशन, EIN नंबर, ITIN नंबर और इसी तरह टैक्स वाइज पेनियर का अकाउंट और ये ट्रांसफर अपना स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाना है ये सारा आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह उसमें। जी खबर से दीख साहब। सर ये क्वालिफाइड बिजनेस इनकम की डिडक्शन जो है इसकी कोई एग्जांपल आप काइंडली दे दें। ये आपको ये काफी डिटेल टॉपिक है, ये आपको भी ऐसे समझ नहीं आएगा अभी, वैसे भी क्लास का टाइम खत्म हो गया। मैं आपको इंशाल्लाह जैसे जब ये टॉपिक आएगा ना, जब जिस टाइम पे वो आएगा मैं आपको उस टाइम इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। चलें अभी आपको मैं ठीक दे दूंगा तो वो आप कंफ्यूज होते जाएंगे, बाकी लोग भी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है जी सही दिशा अली साहब। सर मुझे वो सॉफ्टवेयर के बारे में पता करना था कि वो जो आप प्रैक्टिस हम करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आप इसके ऐसे ही करेंगे या हम लोग अपना सिस्टम में करके इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा भी और आप लोगों को लॉगिन बनाने का तरीका भी बताऊंगा, तो आप लोग अपना भी लॉगिन बना के उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ठीक है जी। रब नवाज साहब, के सुनते रब नवाज साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं ना अकाउंटेंट के तौर पे काम करता हूँ, तो हमारी कंपनी एक्चुअली US में रजिस्टर्ड है, और मेरा ये कोर्स करने का मकसद ये है कि मुझे बॉस ने कह के आप टैक्स सीखें, और उससे जो है ना हमने आगे वर्किंग करने के लिए वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज वहाँ पे US में ही लेते हैं, तो बजाय हमें अगर वहाँ पे देने के हम खुद अपने अकाउंटेंट्स में काम करना तो आपके लिए बेहतर है हमारे लिए भी। और सर मैं ना इनसे रब्ता भी कह रहा था कि हमें कोर्स की एक तो आउटलाइन दे, कि हमें कोर्स में पता चले हम क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आगे वो कोर्स हमारे लिए आगे बेनिफिट है या नहीं। इसमें अभी उन्होंने जो मुझे भेजा था वो सिर्फ चार फॉर्म थे जो उन्होंने भेजे थे, 10 4 to 10, हाँ यही है, 10 11 12। ये इन्हीं चारों पे काम होगा बाका। जी सर, और इनके अलावा क्या हमें और भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बताई जाएंगी जो आगे मतलब किसी कंपनी से रिलेटेड भी हो, कि किसी कंपनी के टैक्सेशन के वक्त हमें और भी चीजें काम आती है। और ये आप दूसरा यही चार चीज चीजें से यही चार चीजें दूसरी चीज ये मैंने उन्हें कही थी कि हमें ना इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल शेयर करें, क्योंकि हमें पता चले अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर मैं आपको। क्या हाँ करते वो हैं या उन्हें क्या क्या आप करते हैं। वो पहले लेक्चर में थे जिसमें आपको जो है वो। सर सर वो मैं ज्वाइन नहीं कर सका, हाँ उसकी वजह ये थी कि हाँ उस मैं काम नहीं मिली था। जी सर हाँ उसमें मैंने बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिकली ACC चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जो है तकरीबन कोई 12 साल से जो है ना इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, और इस टाइम करंटली मैं 2 US की टैक्स फर्म्स को जो है ना सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बाकी मैं आपको लिंक्डइन में अगर आप मुझे सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको मैं मिल जाऊंगा। जी सर मैंने सर्च किया था, उन्होंने नाम बताया था मुझे, बट मैंने सर्च किया था आप मुझे नहीं मिला। अभी भी अगर आप पार्टिसिपेंट्स में देखें तो मेरा नाम आपको शो हो रहा होगा ना, आप सर्च कर रहे हैं वहां से। सर अगर आप मुझे लिंक वगैरह शेयर कर दें आप ग्रुप आपका अगर। ग्रुप बन जाता है ना व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है तो फिर मैं सर वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। एक्चुअली ठीक है अभी तक मैंने इनको इस वजह से जो है ना ज्वाइन नहीं किया कि मतलब पेमेंट्स वगैरह इनको अभी तक नहीं की, वही 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 हाँ बताती है कि इन्होंने एक तो प्रोफाइल नहीं दी और दूसरा कोर्स ऑनलाइन बहुत कम देती, हमें क्लियर नहीं बताई, इसकी वजह से मुझे भी मैंने जाके आपको कोर्स अभी के। अभी अभी आपको कोर्स आउटलाइन तो क्लियर हो गई ना जी अभी सर जो हमने कोर्स आज आउटलाइन की तो आज की क्लियर हो क्लास में। गया। ठीक है जी यही सर, आपकी और कोर्स आउटलाइन है। दूसरा और जी सर प्रोफाइल इसलिए कहा था कि क्योंकि एक एक जो मतलब प्रोफेशनल क्या करें इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनके पास मैं अपनी हाँ सबके लिए मैं प्रोफाइल आमिर होती साहब है को जो। मैं आपको ना मैं आमिर साहब को अपनी वो लिंक्डइन आईडी शेयर कर दूंगा तो वो आपको आके शेयर कर देंगे, या आपको जो है वो अपनी मेरी जो प्रोफाइल उनके पास पड़ी भी है उसमें तो वो आपको शेयर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है आप वो इंस्टीट्यूट को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं उनको कह दूंगा। सर। जी सर ओके श्योर सर। ठीक है जी एहतिशाम अहमद साहब, काइंडली थोड़ा कोशिश कीजिएगा सवाल थोड़ा शॉर्ट रखिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जो भी लेक्चर आज आपने दिया सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी, आपको ये सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। LMS का पोर्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स सारे रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपका कल को पहला लेक्चर खोल के देखना चाहें आप वो देख सकती हैं, आप आखिरी लेक्चर खोल के देखना चाहें देख सकती हैं। उसकी आपको ड्यूरेशन बताई जाएगी कब तक वो आपका अवेलेबल होगा, वो आपको मैनेजमेंट बताएगी। और ऑनवर्ड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद भी एक्सेस हो तो वो भी आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, वो आपको मिनिमल सी फीस लेंगे और आपको वो ऑनवर्ड्स भी आपको उसके एक्सटेंशन दे देंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है मच। जी, मिस नौरीन असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि जो ई कॉमर्स करते हैं या कोई ई जो बिजनेस से रिलेटेड है जैसे लाइक ट्रेडिंग एंड ऑल, तो हाँ वो भी अपनी खुद की इटसेल्फ टैक्सेशन वगैरह, वो आप इन चीजों को थोड़ा सा इस कोर्स में एनरोल करेंगे कि ताकि हम अपनी जो पर्सनल टैक्सेशन या अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी हाँ हाँ तो वो इजी बना सके लाइक इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मतलब कोई ऐसा बुक्स की आप इसमें बात कर कोड? रही हैं? जी मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो ई कॉमर्स में बिजनेस हाँ, करते हैं अब उसमें तो उसमें ये उसमें ट्रेडिंग उसमें है जी तो जी उनको इंशाल्लाह टैक्सेशन आपको इश्यूज होते आपको हैं। गाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा एक छोटा सा शॉर्ट मेरा एक सजेशन भी था, एक फीडबैक के तौर पर भी आप ले सकते हैं। जी यूके का अगर जी आप छोटा सा अगर हैंडलिंग, क्योंकि जब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स या कोई ऐसा टाइम जब आपको लगे, तो जब हम आपको लगे कि चीजें हमें समझ आ गई यूएस से, तो थोड़ा सा अगर हाँ, आप इंट्रोड्यूस करवा दें अबाउट द यूके मार्केट मेरी एलोकेशन। मेरी मेरी यूके की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ तो है लेकिन मैं प्रैक्टिकल में नहीं हूँ यूके की ना। तो यूके का अपना कोर्स है ICT मैनेजमेंट का, तो अगर वो कोई नया स्टार्ट हो रहा हो तो आप उसकी जो ओरिएंटेशन क्लास है या आप उसमें अगर आप वो तो क्योंकि ओरिएंटेशन क्लासेस तो चार्ज नहीं करेंगे ना आपसे लेने के लिए, तो आप वो कुछ उनसे ले लें या उनका कोई लेक्चर रिकॉर्डेड होगा तो ओरिएंटेशन का, तो वो आप उनसे ले सकती हैं, वो आपको शेयर कर देंगे। तो ये 3 मंथ्स ही चलेगा सर, थोड़ा सा शॉर्टर नहीं हो सकता लाइक ड्यूरेशन? कोशिश होगी मेरी क्योंकि बेसिकली मैं खुद 5 दिन तो मेरी जॉब क्योंकि चल रही होती है, प्रोफेशनल नाइट ड्यूटीज होती है हमारी ना। फील्ड में वो ओब्वियसली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो बहुत मतलब है कि टाइम चले 2 4 3 6 महीने दे दिया, बट आई थिंक दैट ये ऐसी चीज है ओब्वियसली यहाँ पर आने वाला या एनरोल होने वाले जो लोग होंगे वो हाँ ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 50% नॉलेजेबल होंगे रिगार्डिंग ऑफ ऑल दीज लाइक जो भी आपने आज सिखाया उन सबके बारे में। हाँ तो माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर टाइम शॉर्टेंड हो जाए तो इट वुड बी लाइक मेरी कोशिश होगी, देखें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, तो जहां मुझे लगेगा कि यहाँ ये रिक्वायर्ड है तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन जहां मुझे ये लगेगा कि यार ये चीजें बीइंग इररिलेवेंट अ है तो वहां ट्यूटर, पे अगर मैं आप फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है आप उस तक उन तक एक फीडबैक पहुंचाना चाहेंगे अगर 3 मंथ से हाँ, वो शॉर्टेंड आपकी ये आपकी सारी ये जाए, मैं बेशक कोशिश करूंगा क्लास बढ़ इसको जाए या डेज बढ़ कोशिश जाए बेशक। देखिए शॉर्ट टर्म में ये होता है ना कि बेसिकली हम लोग इसको कोशिश यही करेंगे कि आपको इस तरह इसको सेट करें ताकि जो जिसका रिलेटेड है ना वो ले सके, क्योंकि देखिए अगर आप क्लास नहीं भी ले सकते ना तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन के भी बाकी जो 5 दिन है वो आप अपना टाइम उसमें से लगा के तो आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। हमारा ना क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और चलो अगर थैंक यू आप सो लोग मच माइंड सर, थैंक यू आप लोग माइंड ना रियली। करें तो आप लोग इंशाल्लाह कल अपने क्वेश्चंस कर लें, या अगर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो आप अभी कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे हैं तो हैंड रेज रखिएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर कल कल मैं आपको अकोमोडेट कर दूंगा। उस्मान शराजी साहब आपका है छोटा सा क्वेश्चन तो काइंडली कर सकते हैं। उस्मान शराजी साहब चले, जी हम इंशाल्लाह सर क्लास अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी, जी बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मैं करंटली एक यूएस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह और जी। अच्छा सर, तो वहाँ पे ना मैं बुककीपिंग करता हूँ और उनके लिए रिपोर्ट्स वगैरह बनाता हूँ। बेसिकली वो टैक्सेस ही की कंपनी है, तो ये कोर्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा काइंडली अगर आप इतना बता दें तो मैं यानी कि 2 3 फायदे ही बता दें देखिए कुछ, ताकि मैं अगर अगर वो टैक्स रिटर्न करते हैं तो आप उनको फिर आप टैक्स रिटर्न्स की अपनी वो सर्विसेज दे सकते हैं कि सर मुझे भी टैक्स रिटर्न करना आती है, आप मुझे टैक्स रिटर्न दें करने के लिए, ठीक है, और वो आपको वहाँ तो पे इस आप वहाँ काबिल पे आपकी होगा जो है इस कोर्स के जी जी बाद कि मैं बिल्कुल बिल्कुल फुली हो जाएंगे, हो सकेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। चल अपना अब आप लोग